तो आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ उसका शीर्षक है समकालीन खासी कथा साहित्य और मूल्य विघटन। सबसे पहले मैं यहाँ खासी जनजाति के जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य, उसके बारे में यहाँ मैं बातचीत करना चाहूंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, मैं ये मानती हूँ कि खासी जनजाति जो है वो अपनी खासियत के लिए जानी जाती है। एक कारण है कि यह जो जनजाति है वह मातृ वंशीय है, और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि मातृवंशीय क्यों है। इस जनजाति की एक ये मान्यता है कि यह जनजाति बात तिब्रियो कुबलई है, यानी जो मानव और ईश्वर को जानती है या मनुष्यता और ईश्वरत्व को की जानकारी रखने वाली है यह जनजाति। और अगर हम देखें, एक व्यक्तिगत रूप में अगर हम देखें, हम सोचें कि हमारा जो जीवन है वह कहाँ से शुरू हुआ है, तो खासी लोग ये मानते हैं कि इस जनजाति की उत्पत्ति जो है स्वर्ग से हुई है। तो कोई भी मान्यता जो होती है किसी भी जनजाति की, वह उसके लोक में प्रचलित जो मान्यताएं हैं उसी के आधार पर ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खासी लोग ये मानते हैं कि 16 परिवार जो स्वर्ग में रहते थे, वहां से 7 परिवार इस धरती पर आए और इस धरती पर ही बस गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि खासी लोग ये भी मानते हैं कि ईश्वर ईश्वर का मनुष्य के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है और बहुत करीबी का, बहुत सामीप्य का संबंध रहा है। और यहाँ पर हम ये मैं ये यह बताना चाहूंगी कि खासी लोग ये मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को 3 आज्ञाओं कि में बांध रखा है, यानी कि हम जो मनुष्य जो है, खासी लोग ये मानते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की 3 आज्ञाओं को मानना चाहिए। पहला है, ये 3 आज्ञाओं में से पहला है तिब्रियो तिब्लई, वही जो मैंने पहले ही कहा है कि मनुष्य और ईश्वर को जानना, उसे समझना। और दूसरा है तिपकुर तिपखा, यानी जिसमें हम अपने कुल, अपने गोत्र के बारे में और अपने पितृ, तिपखा मतलब अपने पितृ कुल और पितृ जो गोत्र है उसके बारे में जानना या उसे मानना। और तीसरा है कमाई या कह, यानी पुण्य का काम करना या पुण्य कमाना। तो यहां हम देखते हैं कि खासी लोग ये भी मानते हैं कि मनुष्य जो होता है उसको ईश्वर ने एक बहुत ही अलग, बहुत ही विचित्र एक गुण प्रदान किया है जिसको कर्ण्येव कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर व्यक्ति का वो जो ऋण्येव है, अगर वह उससे अलग हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है ईश्वर की कृपा नहीं रहती। और साथ में यह भी माना जाता है कि कर्ण्येव के ना होने पर, वह जो विशिष्ट गुण है कर्ण्येव, वह ना होने पर जो अमानवीय शक्ति है वह मनुष्य पर अपना प्रहार कर सकती है। तो इसलिए जो है मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे उसका जो रिंगेव है वह हमेशा उसके साथ रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कि खासी लोग जो है संस्कार को बहुत महत्व देते हैं, और उसके संस्कार जो है उसके वचन, कर्म, रहन सहन, चाल चलन और समाज में उसके जो अन्य लोगों के साथ उसकी जो उसका जो संबंध है वो उसके संस्कार के माध्यम से हमें, या उसके संस्कार में हमें दिखाई देते हैं। खासी लोग जो है वचन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आज आधुनिक समाज में हम कह सकते हैं कि बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले ये कहा जाता था कि खासी लोग कभी भी कोई दस्तावेज नहीं रखते थे, केवल जो कह दिया उसको कह दिया,
यानी वचन की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा थी। और हम जो खासी लोग आपने देखा होगा, जो लोग शिलोंग में आए हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शिलोंग में पढ़े हैं, रहे हैं, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि खासी लोग जो भी लेन देन का जो कार्य करते हैं वो हमेशा दाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारा जो दाया हाथ फ्री नहीं होता है तो हमको दाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि मुझे जो है दाएं हाथ से देना पड़ रहा है। तो अभी तक मैं, अगर आप, हो सकता है आपके मन में ये उत्सुकता हो कि दाएं हाथ से ही क्यों, तो अभी शायद इस पर शोध करना पड़ेगा कि ऐसी मान्यता क्यों है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि जो हिंदू संस्कृति में भी जो जब पूजा अर्चना करते हैं तो दाएं हाथ का ही हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए खासी लोगों में भी ये देखा गया है कि बहुत दाएं हाथ का हम बहुत अधिक उसका जो है सम्मान होता है। अगर हम टैक्सी में बैठे हैं और हम ड्राइवर को हमें पैसे देने हैं, हमारे हाथ, दोनों हाथ में यह है सामान है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम दाएं हाथ का ही प्रयोग करें। हाँ, जैसे मैंने कहा कि वचन के बारे में जब हम बोलते हैं, तो जब हम कुछ बोलते हैं और अपनी बात, कई बार हम ऐसी बात बोलते हैं जिससे लोगों को वो बुरा लग सकता है, तो उस बात को बोलने से पहले हम हमेशा ये कहते हैं कि बुरा मत मानना, मुझे ये कहना पड़ रहा है, या फिर ये एक लज्जापूर्ण होते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है, मतलब ये इस शब्द को हम जरूर, इस वाक्य को जरूर बोलेंगे बोलने से पहले कि आपको बुरा लग सकता है लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये इस समय की मांग है या सिचुएशन ऐसी है कि मुझे कहना पड़ रहा है। फिर एक और हमारे जो संस्कार में ये भी है कि अगर कोई बैठा हुआ है, कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सामने से हम नहीं गुजरते हैं, और अगर गुजरना पड़े, कहीं और से कोई रास्ता नहीं है, तो हम झुक कर गुजरते हैं और एक शब्द जरूर बोलते हैं, खुबलई, या ये कहते हैं कि मुझे आपके सामने से गुजरना पड़ रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में एक परंपरा सी बन गई है, जिसको आज भी हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर जैसे हमारे भारत में अतिथि देवो भव की मान्यता है, तो खासी समाज में भी यह है कि अगर कोई घर में आता है तो चाहे हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो देने के लिए खाने की चीज, लेकिन क्वाई का प्रयोग करते हैं, यानी पान और सुपारी का प्रयोग करते हैं अतिथियों को देने के लिए। लेकिन आज जो आधुनिक समाज है, आधुनिक जीवन शैली के चलते अब यह लगभग खत्म हो गया है। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपको क्वाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं खाती। तो लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी इसकी यह है, चलन है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी जो जनजाति है, अन्य जनजातियों के समान हमारे जनजाति में भी ऊंच नीच की भावना नहीं मिलती, और समाज में सबका सामान्य अधिकार होता है, सामान्य कर्तव्य होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपने गोत्र, मैं यह बार बार गोत्र या इसके कुल की बात करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि खासी जनजाति जो है मातृवंशीय है, तो हम अपने कुल, अपने गोत्र का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन अपने पितृ गोत्र का, जो हमारे पिता का जो गोत्र है या हमारे पिता जिस क्लैन से आए हैं, उसका भी बहुत ज्यादा हम सम्मान रखते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन जो आज्ञा जो है ईश्वर की, जिसमें है तिपकुर तिपखा, उसमें मैं यह बताना चाहूंगी कि कुछ क्षेत्र हैं हमारे खासी हिल्स में, खासी जयंतिया हिल्स में, जहां हम क्योंकि लड़की अपने ही घर में रहती है,
तो वो अपना जो उसकी जो प्रथम संतान जो होती है उसको वह दादी घर में दिखाने ले जाती है। केवल अकेले नहीं, ऐसे तो अकेले मतलब हस्बैंड वाइफ तो जाते ही रहते हैं, लेकिन इस रिवाज में उस लड़की के जो माता पिता, मामा मामी, भैया भाभी, मौसा मौसी, मामा मामी सब जो है जाते हैं, और एक बिल्कुल एक जैसे दावत सा होता है। सब लोग जो है पूरा दिन उसमें व्यतीत करते हैं और एक दूसरे से उनका मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब होता है। फिर हम देखते हैं कि शायद बहुत सारे जनजातियों में या सभी जनजातियों में हम इस बात को देखेंगे कि हम लोग जो है सामूहिक कार्य करते हैं समाज में। यानी जैसे खेतों में काम किया जाता है, तो पहले एक व्यक्ति के खेत में सारे गांव के जितने भी युवक या युवतियां जो काम करते हैं सब पहले एक के खेत में काम करेंगे। उसका काम अगर पूरा होता है तो फिर दूसरे के खेत में काम करेंगे। तो यह एक जो सामूहिक रूप से जो कार्य करने की जो का जो रिवाज है वह आज भी गांवों में देखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है मेल मिलाप होता है, साथ में भोजन करना, क्योंकि जिसके खेत में काम किया जाता है भोजन उसी के घर से आता है। साथ में भोजन करना, कुआई खाना है ना, और बातचीत करना, और इसे एक एक दूसरे का सुख दुख वो बांट सकते हैं, और इससे उनका श्रम परिहार भी होता है। जब मृत्यु होती है किसी के परिवार में, तो हमारे समाज में क्या होता है कि उसको 2 दिन के लिए रखते हैं, और मृतक का जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक जो है गांव के लोग उनके घर में आते जाते हैं। और बहुत ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उनके घर में रात भी बिताते हैं। इससे उस परिवार का जो एकाकीपन है वह दूर होता है। एक और चीज हम देखते हैं कि हाट है ना, जो बाजार जो लगता है चौथे दिन में लगता है, सप्ताह के चौथे दिन में लगता है। और इसमें हम क्या देखते हैं, मैंने देखा है अपने गांव में कि लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और अपने ही गांव के नहीं आसपास के गांव के लोग को भी वो जानते हैं, नाम से जानते हैं, और उनका नाम, उनका काम सब जानते हैं। तो मैंने सोचा कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं, इतने दूर दूर गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं। तो मैंने ये देखा है कि हाट के समय जो है जो बाजार लगता है उसमें सारे लोग जो है शाम के समय, तो आप देखेंगे इतनी भीड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिन भर ये लोग अपने खेत में काम करते हैं, अपना मजदूरी वगैरह करते हैं, लेकिन शाम के समय में सब नहा धो के तैयार होके हाट में सब एक दूसरे से मिलने के लिए चले जाएंगे। और मैंने ये देखा है कि हाँ कुछ लोग तो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, कुछ खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा है ना कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं, बस आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, और इसीलिए शायद ये एक दूसरे को जानते हैं, और इससे जो है एक आत्मीयता, एक एकता की भावना जो है उनमें बढ़ती है। खासी समाज में बुजुर्गों का भी बहुत मान सम्मान होता है। एक दरबार शनोंग कहते हैं, यानी कि जो हमारे जो गांव के जो सभा होती है उसका जो बहुत बड़ा कह सकते कि उसका बहुत उसकी बहुत मान्यता है कि जो भी दरबार शनोंग में राय ली जाती है उसको मान्यता दी जाती है। फिर यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मातृवंशीय समाज है, तो मातृवंशीय समाज ही क्यों है, इस पर जो है कई विद्वानों ने अपने अपने बात कही है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि हमारे जो खासी जनजाति जो है उसमें जो है प्रत्येक गोत्र की एक पूर्वज माता होती है जिसे कायो याउबेई कहा जाता है। कायाउबेई कहा जाता है, जो क्या होती है गोत्र की पूर्वज माता। और
ये जो यौबई जो होती है ये कालेई लोंगकुर यानी गोत्र देवी के अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ पर जो है मातृवंशीय समाज का प्रचलन है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हमारे यहाँ के जो पुरुष थे पहले वे अधिकतर योद्धा होते थे, युद्ध करते रहते थे पहले जमाने में। तो पुरुषों को ये लगता था कि माँ से अधिक जो है बच्चों का ध्यान कौन रख सकता है, और अगर माँ ही बच्चों का पूरा पूरा ध्यान रखती है तो गोत्र भी उसी का होना चाहिए, नाम भी उसी का होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो खासी समाज है उसमें जो है कई गोत्रों में जो है एक गोत्रीय बंधन है, यानी एक गोत्र का दूसरे गोत्र से भी संबंध हम देखते हैं। इसके लिए ये माना जाता है कि एक एक औरत अगर उसको कहीं बाजार जाना होता है, हाट जाना होता है, और हाट तो हर गांव में नहीं होता है, वो तो किसी एक गांव में, मतलब 10 गांवों के बीच में किसी एक गांव में लगेगा, तो अगर वो जाती है और उसका छोटा बच्चा है तो वो किसी दूसरे औरत के या जो अपने पड़ोस में रहने वाली जो औरत है उसके हाथ में रख के चली जाएगी अपने बच्चे को। तो वो औरत जो है वो अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे औरत के बच्चे को भी दूध पिलाएगी। तो एक ही माँ का दूध पीने के कारण जो है उन दो बच्चों के बीच में एक गोत्रीय संबंध हो जाता है। जैसे मैं मारबानिया हूँ तो मारबानियांग लोग जो है मासार, मारपना और वान्यांग, मिल्लेम, इन सब से हमारा जो है गोत्रीय संबंध है। जिससे मतलब ये जो गोत्र जो मैंने अभी गिने हैं ये एक दूसरे के साथ जो है इनका विवाह संबंध नहीं हो सकता। फिर तो मैं अभी तक हमने क्या देखा कि ईश्वर ने मनुष्य को 3 आज्ञाएं दी है, और उन 3 आज्ञाओं के बंधन में बंधे रहने की हमें सलाह दी है। लेकिन आज का जो समाज है, वर्तमान समाज में हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि वो सारे जो आज्ञाएं हैं जिनको हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय से मानते आ रहे हैं उनका जो है अब हनन हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो मैं यहाँ केवल 2 कथाओं के बारे में बताऊंगी, एक उपन्यास है और एक कहानी है, उनके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे लेखकों ने यह बताया है कि हमारे जो खासी समाज में अब जो खासी जीवन मूल्य जो है वो लगभग समाप्त हो रहे हैं। LHPD का उपन्यास है उराइमन बरकदाशीशा। इस उपन्यास में उन्होंने ये बताया है कि एक जो मामा जो होता है, हाँ मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगी कि खासी समाज में जैसे आप लोग सुनते हैं कि ये मातृवंशी है तो आपको लग सकता है कि पुरुष क्या करता है फिर ना सारा काम, मतलब अगर माता का है तो पिता क्या करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ के पुरुष के कंधे पर और ज्यादा दायित्व है, क्योंकि घर में वो पिता है तो पिता के रूप में उनका जो जो उत्तरदायित्व है अपने परिवार के प्रति वो बहुत ज्यादा होता है, हम सब जानते हैं। साथ ही अपने गोत्र के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व होता है। जैसे शादी ब्याह में अगर मामा ना हो तो फिर बहुत सारे काम में जो है बाधा आ जाएंगे। उसी तरह जो पितृ संपत्ति है, जो पितृ संपत्ति है हमारे, उसमें भी या कह सकते हैं कि जो हमें अपने माता पिता से जो मिले हैं संपत्ति, उसमें जो है हमारे मामा जो है परामर्श देते हैं। अगर हमें वह जमीन बेचना होती है जो हमें हमारी माँ ने दी है तो हमें अपने मामा से पूछना पड़ेगा, अपने मामा की राय लेनी पड़ेगी कि इसके साथ क्या किया जाए, या बहुत सारी चीजों में जो है मामा का बहुत अधिक उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने कुल का भी ध्यान रखे, अपने परिवार का भी ध्यान रखे।
लेकिन यहाँ उराइमन का दशिशा जो उपन्यास है उसमें हम क्या देखते हैं कि लेखक ने यह बताया है कि जो दो भाई बहन होते हैं और उनके एक का नाम होता है अरबोर और अरबोर या भाई होता है और बहन होती है काजिंगन। और अरबोर जो है जब उनके जो माता पिता की डेथ हो जाती है तो काजिंगन जो है उसको ये बहुत तसल्ली होती है कि मेरा भाई है, मेरा भाई जो है सब संभाल लेगा, देख लेगा। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि काजिंगन का जो पति होता है वो भी बहुत ज्यादा मेहनती होता है जिसके कारण जो है उसकी संपत्ति में बहुत अधिक जो है बढ़ोतरी होती है। तो लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो अरबोर की जो पत्नी होती है, दशिशा की जो मामी होती है, वो बहुत लालची होती है और वो अरबोर से कहती है कि तुम्हारी बहन के पास इतना धन है तो तुम भी उसमें से क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि वो तो तुम्हारे माता पिता के भी का भी धन है। तो इस तरह से एक मामा जिस पर जो है जो उसके गोत्र के जो सदस्य है वो ये सोचते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अरबोर जो है अपनी पत्नी के बातों में आकर जो अपनी बहन और उसकी बेटी से जो है उसकी संपत्ति छीनने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मूल्य का विघटन हमें दिखाई देता है कि एक जो मान्यता है समाज की, अब वहाँ जो है स्वार्थ और लालच ने घर कर लिया है जिसके कारण जो है अब वह मान्यता बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक बताते हैं कि अरबोर जो है उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है, काजिंगन की मृत्यु हो जाती है और दशिशा बिल्कुल अकेली रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो उसकी मामी जो है वह भी उसे मारने की कोशिश करती है। उसकी मामी की जो बेटी होती है वो डॉक्टर होती है, वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम उसको मार दो ना, गलत दवाई देके मार दो, लेकिन उसकी बेटी जो है वो डॉक्टर है वो, और डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो उससे उसे बनाए रखती है और वो क्या करती है अपनी माँ की बात नहीं मानती है और इस तरह से जो है दशिशा का जीवन भी बच जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से स्वार्थ के कारण जो है जो संपत्ति पाने की इच्छा के कारण किस तरह से मूल्यों का विघटन हो रहा है। एक और लेखक की मैं यहाँ पर कहानी बताना चाहूंगी, W. खारकरांग है उनका नाम और कहानी का नाम है किजिंग यकंडु जो उबा ताएन। इसमें जो है हम देखते हैं कि किस तरह से एक जो आदिवासी समाज में, जो जनजातीय समाज में जहाँ पर हम भ्रष्टाचार का नाम बिल्कुल नहीं सुनते थे, यहाँ पर यह बताया गया कि किस तरह से एक कमजोर अज्ञानी अनपढ़ व्यक्ति का जो है शोषण होता है केवल भ्रष्टाचार के कारण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाताएन जो होता है, यहाँ पर जो एक पात्र है वो किस तरह से एक गरीब किसान होता है और उसको जब पता चलता है कि बैंक से लोन मिल रहा है तो वो बैंक से लोन लेने के लिए जब जाता है तो वह देखता है कि फॉर्म भी भरना होता है तो अंग्रेजी में, तो एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति अंग्रेजी कैसे लिख सकता है। तो वो क्या करता है, एक BA में पढ़ रहे एक व्यक्ति से, एक युवक से जो है सहायता लेता है। तो वह युवक भी ये कहता है कि आपको जो है थोड़ा सा चाय पानी का पैसा देना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जब वह बैंक में जाता है तो देखता है कि और सारे कागजात लगेंगे उसमें, तो कागजात फिर कहाँ से लाएगा। तो फिर उसके लिए भी बंदोबस्त कर दिया जाता है लेकिन उसको पैसे देने पड़ते हैं। फिर वो जब जाता है बैंक में तो उसे ये कहा जाता है कि जिससे आपको काम है वो तो छुट्टी पर गया है। तो वो 20 दिन बाद जाता है, जब 20 दिन बाद जाता है तो देखता है कि वह व्यक्ति जो आ गया है छुट्टी से वो कहता है कि 10 दिन बाद आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। और वो देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से
जब वो पैसा दे देता है तो उसका काम हो जाता है। फिर जो व्यक्ति आता है उसका वो सब देखने के लिए कि उसके पास कितना जमीन है, कितना क्या है, उसको भी उसको हिरण का मांस खिलाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गारंटर की आवश्यकता होती है और प्रतिष्ठित व्यक्ति चाहिए होते हैं उसके लिए। तो क्या होता है, उसे उस उसके जान पहचान में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो वो क्या करता है, फिर पैसे दे के वो सब उसको मिल जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन बाद में वो जब वो पैसे लेने के लिए, लोन के पैसे लेने के लिए जब वो बैंक जाता है, तब उसको पता चलता है कि जो मिलना था, जो सरकार की तरफ से जो लोन का जो व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई थी, उसको जो है अब बंद कर दिया गया है। तो बेचारा एक जो बिल्कुल सरल सीधा साधा अनपढ़ गांव का जो व्यक्ति है, वो हर जगह लूटा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लूटने वाले कोई और नहीं है, अपने ही लोग हैं। तो जहाँ पर हम ये मानते हैं, बहुत पहले से ही हम ये मानते आए हैं कि जो जनजातीय लोग, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों के बीच, उन लोगों में जो है एक दूसरे के लिए प्रेम है, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार रहते हैं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज के समाज में हम क्या देख रहे हैं कि स्वार्थ के चलते केवल अपना ही लाभ हम देखते हैं और हम दूसरों के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में भी, जहाँ पर हम बहुत गर्व से कहते थे कि हमारे समाज में कोई बुराई नहीं है, आज हमारे समाज में भी बहुत सारी बुराइयाँ आ गई हैं। तो इन केवल दो कथाओं के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारा जो आधुनिक जीवन शैली है, उसके कारण जो है हमारे समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं, जिसमें कजिंग तिब्रियो तिब्लय ना, मनुष्य और ईश्वर को जानना, और तिपकुर तिपखा, जहाँ पर हमने देखा कि मामा पर जो विश्वास किया गया था, मामा ने ही जो है उस परिवार को लूटने की कोशिश की, और कमाईया कहो ना, पुण्य कमाना, यह अब बिल्कुल हमारे समाज से लगभग जो है खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक और बात ये कहना चाहूंगी कि हम जो कहते ना तिब्रियो तिब्लय, मतलब मनुष्य को जानना और ईश्वर को जानना, यानी पहले तिब्रियो शब्द क्यों आता है, तिब्रियो क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर हम मनुष्य को जानेंगे तभी हम ईश्वर को जानेंगे। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने तो हमारे समाज को बहुत सुंदर ढंग से इसको बनाया, इसका विकास किया, लेकिन आज के इस जीवन शैली ने, आज के जो हमारे जो आधुनिक जीवन शैली, इसके चलते जो है हमारा जो जीवन मूल्य जो है वह खतरे में आ गया है और उसका हनन हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करती हूँ। खुबले शिवा। खुबले मैडम, आपको खुबले, आपने कई सारे कथाओं के माध्यम से, जो कि समकालीन खांसी जो कथा है, साहित्य के माध्यम से आपने खांसी जो जनजाति है उनके समाज, संस्कृति, और जो आप लोगों का जो समाज है, जो नारी प्रधान जो समाज है, उसकी स्थितियों के माध्यम से इतने सारे ज्ञानवर्धक आपने अपने वक्तव्य हमारे बीच रखे। आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाय खुबले। अब मैं इस गोष्ठी के द्वितीय वक्ता डॉक्टर जोरफ आनिया ताना, विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग देहरानाथुर महाविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। परंतु इससे पूर्व मैं आपके एकदम छोटे से संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म अरुणाचल प्रदेश के निशी जनजातीय समुदाय में हुआ। आपके अध्ययन की केंद्र बिंदु मुख्यतः निशी समाज की संस्कृति, साहित्य एवं भाषा पर ही केंद्रित रहा। आपके कई लेख आलेख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने कई राष्ट्रीय
एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पत्र वाचन किए, आपको कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जैसे 2010 में विशिष्ट अकादमी सम्मान से सम्मानित, 2010 में ही राजकुमारी खन्ना स्मृति सेवा सम्मान एवं 2011 में विनोबा नागर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप अनुवाद के कार्य में भी हमेशा संलग्न रहे, इसके साथ ही साथ आपने 3 पुस्तकों की रचना भी की है, जैसे निशी लोक गीत संस्कृति सांस्कृतिक अध्ययन अलोकार रूम एवं हिंदी निशी लर्नर डिक्शनरी। वर्तमान में आप देहरादून महाविद्यालय ईटानगर में सहायक प्राध्यापिका के रूप में सेवारत है। मैडम, आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप का जो वक्तव्य है उसे हमारे समक्ष रखें। आपका विषय है अरुणाचल के आदिवासी साहित्य। मैडम प्लीज। सबको नमस्ते, और मैं अपनी बात शुरू करने के बाद मैं वीडियो ऑफ करूंगी। नेट का बहुत परेशानी चल रही है, यहाँ बड़ी लड़ाई चल रही है नेट का। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से विमेन कॉलेज की और पूरी टीम को जिन्होंने इस वेब गोष्ठी को ऑर्गेनाइज किया और मुझे बोलने के लिए जो मौका दे रहे हैं, और सभी श्रोता जो आज यहाँ आए हैं हमें सुनने के लिए आए हैं। तो आप सबको मैं फिर से एक बार सबको एक साथ नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है तारो सिंदिक। डॉक्टर तारो सिंदिक एक कवि है, अरुणाचल प्रदेश में युवा कवि है, और जिनको जो है युवा साहित्य एकेडमी अवार्ड से मतलब उनको सम्मानित किया गया। उनकी जो किताब है अक्षरों की बिनती, ये उनकी कविता की संग्रह है, इसी पुस्तक के नाम पर उनको जो है ये अवार्ड मिला है। तो इस वेब गोष्ठी का जो मतलब विषय है वो आदिवासी साहित्य पुनर्मूल्यांकन है। पुनर्मूल्यांकन अभी ये तो बहुत मतलब विश्व, आप जिन्होंने भी इसको इस विषय में या इस विषय वस्तु को रखा है उन्होंने बहुत ही विस्तृत मतलब उनका सोच है। आदिवासी शब्द और उसके पुनर्मूल्यांकन, ना या भारतीय आदिवासी, ना क्या पूर्वोत्तर, ना विश्व, तो इसका मतलब है कि विश्व के जितने आदिवासी है उनके साहित्य का पुनर्मूल्यांकन की बात मन में रखकर ये विषय वस्तु रखी गई होगी। लेकिन जहां तक अरुणाचल की बात है, अभी लिखित रूप में हमारे जो साहित्य है अभी हाल के दिनों में ही आने लगे हैं, तो उनका मूल्यांकन ही शायद कहीं नहीं हो पाया है। तो पुनर्मूल्यांकन अब होगा आने वाले समय में। तो अक्षरों की बिनती हालांकि बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह रही और उसका मूल्यांकन भी कई लोगों ने की भी होगी, लेकिन उसका मुझे खास ऐसे मिला नहीं है। मैं अपने दृष्टि से इस काव्य संग्रह को मूल्यांकन या उनके बारे में मूल्यांकन में क्या करूंगी, मैं बस बताऊंगी कि तारो सिंदिक नामक एक लड़का अरुणाचल के दापोरिजो जैसे एक शहर से दूर, एक ऐसा मतलब बहुत ही ये नहीं कह सकते कि विकसित जगह है, ऐसे जगह में वो उनका जन्म होता है, और बाल्य अवस्था से ही वो एक पिता के अभाव में जीते हैं, और इसके बाद माँ ही उसके पिता और माता बनकर उनका भरण पोषण करती है। तो एक बालक जो बहुत दूर दराज अरुणाचल के पहाड़ों के बीच कहीं जन्मते हैं, और वो धीरे धीरे उनकी कल्पना जो है उनके अंदर में उन पहाड़ों में घूमते उतरते माँ के पीछे चलते जो बातें उनके दिमाग में आई उसको बाद में जो है जब उनमें पढ़ने लिखने लगे तो हिंदी अर्थात हिंदी भाषा में और नागरी लिपि में उन्होंने उसको अभिव्यक्ति दी है अक्षरों की बिनती। कवि ने इस संपूर्ण काव्य संग्रह को मतलब पढ़ने के बाद ऐसा मतलब पूरा मतलब उसमें ये देखने को मिलता है कि कवि सबसे पहले जो है मेरी माँ जानती है नामक कविता से अपनी बात रखते हैं।
और एक अचानक जीवन में जीवन साथी के गुजर जाने के बाद एक नारी के दर्द को वो अपनी माँ में कैसे देखता है। और वो मतलब इसमें उसमें वो लिखते हैं, मेरी माँ विधवाओं की उन कतारों में से एक है जिनके लिए समस्त संसार। अब इसमें ध्यान देने योग्य जो पंक्ति जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बिना दरवाजे का आजाद काला पानी है, लेकिन लीक से हटकर चलना मेरी माँ जानती है। यानी उस विधवा की मनोदशा को, और जो अभी तक बहुत ही सुंदर जीवन जी रहे थे, अचानक साथी चले जाते हैं, और इसके बाद वो जो है एक तरह के आजाद आजाद है, लेकिन वो आजादी क्या है। तो एक विधवा जीवन और अचानक साथी के चले जाने से इसका जो एक मतलब मर्म है, उसका जो वर्णन है, एक बेटा एक बालक जो है वो उसको किस तरह से जब अपनी माँ को अकेले जूझती हुई देखा है तो उन्होंने महसूस किया होगा, और जब बड़ा होता है और वो समझता है कि काला पानी क्या है, काला पानी यानी चारों ओर सागर ही सागर, समुद्र ही समुद्र है, बिल्कुल मतलब तुम जहां भी देखोगे तो बिल्कुल एकदम मतलब खुला आसमान है, लेकिन वहां से वापस आना भी मुश्किल। उन चीजों को उन्होंने अपने जहन में, काला पानी को किस तरह से लिया है, अपनी माँ के दर्द को इसमें उकेरने की कोशिश की है। वो अपनी बात जो है कभी जो है अपनी माँ से ही शुरू शुरू करते हैं, और आगे धीरे धीरे जो है धीरे धीरे जो है अपनी बहन का दर्द को भी वो देखती है, देखता है, और इसके बाद जो है फिर वो मतलब एक तरह का इसको इसमें एक कवि युवा यानी जिसका अंदर में हृदय में कविता पलती हो, और वो बालक कैसे बढ़ता है, आगे चलता है, पढ़ता है, पढ़ते बढ़ते उसकी मनोदशा कैसे बदलने लगता है, कैसे देश दुनिया को देखते वो इस कविता में देख देख सकते हैं। तो वो जब माँ से बात शुरू करते हैं और इसके बाद जो है फिर वो उनके एक अपनी माँ को उनके आंखों में जो दर्द है उसको भी वो देखते हैं, और स्वयं वो एक बालक अपनी मतलब जीवन के तमाम संघर्षों से गुजरते हुए वो बड़ा होने लगते हैं, और इसके बाद यह लड़का जो है जो बालक है जो तमाम संघर्षों से गुजरते हुए भी उन संघर्षों के राह में मिलने वाले सभी संवेदनाओं को साथ में लेकर चलते हैं, जैसे कि वो अपने परिवार में अपनी बहन माँ के दर्द को उन्होंने महसूस किया, और उसमें बहन की दर्द, वो बहन जिसकी विवाह उनकी मन से ना हुई हो, या फिर वो बहन जिनकी इच्छाएं, बहन अर्थात वो तमाम लड़कियां, वो तमाम मतलब हमारे समाज के तानी समुदाय की लड़कियां जिनकी बेमेल विवाह भी हुआ होगा, जिनकी ना चाहने पर भी विवाह हुई होगी, या हुई तो उनका विवाहित जीवन सफल नहीं, पर वो अकेली लड़की के अंदर में कितनी इच्छाएं पली, पर मतलब उन्होंने भी क्या क्या जीवन के लिए सोचा होगा वो नहीं हुआ, उसको वो देखते हुए उन संवेदनाओं को महसूस करते वो आगे बढ़ते हैं। इसमें वो इसी के साथ में वो उन तमाम अनकही मार्मिक दर्द से गुजरते हुए उन तमाम पहलुओं को देखते हैं, जैसे उन्होंने जो है कविता जैसे ही बढ़ते हैं तो आपको याद होगा निराला जी की एक कविता है, वो तोड़ती पत्थर मतलब वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर हमने देखी, उसी तरह उन्होंने सड़क के किनारे एक कविता लिखकर मजदूरों के जीवन को और उनके दर्द को समझने की कोशिश की, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मतलब वो कितने मतलब मेहनत करते हैं, देश भर में उन्हीं के कारण सड़कें बनती है जिसके कारण हम आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उसके लिए सड़क के किनारे के अलावा और कई जगह नहीं होता, उस तरह के दर्द को झेलते हुए वो आगे चलते हैं। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो उनको राजनेताओं के द्वारा चुनावों में झूठे वादे करने का, ये सब वो पूरा उन चीजों को देखते हुए चुनावों में जब झूठे वादे किए जाते हैं, जनता को खूबसूरत सपना दिखाए जाते हैं और भ्रमित किए जाते हैं,
उसको देखते हुए वो इस जीवन की आपाधापी में आगे बढ़ते हैं, उनका मनोबल भी कभी का मन भी मनोबल भी कई बार टूटता है, कई बार गिरता है, फिर वो आगे चलते रहते हैं। यहाँ पर एक जो मतलब सामान्य पढ़ने लिखने वाले युवक की क्या इच्छा होती है, पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे एक सरकारी नौकरी करेंगे, तो वो भी इस तरह से आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो है जब उनका सरकारी नौकरी नहीं मिलना होता है, मतलब उस तरह की उसमें जो है कुछ समय वो बेरोजगार रहते हैं, एक युवक की जो बेरोजगारीपन बेरोजगार में जीने के दर्द को उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर से उन्होंने दर्शाया। मैं आगे कविता भी धीरे धीरे बताऊंगी। इसी के साथ में अब वो नौकरी मिल गया, नौकरी मिलने के बाद जो है फिर वो उसको बहुत ऐसा महसूस होता है कि यही लक्ष्य है और अब जीवन में मतलब जो कुछ मुझे जरूरत था वो सब मिल गया। लेकिन नौकरी मिलने के बाद की स्थिति की जो मन स्थिति जो पा लेने के बाद की स्थिति पर उन्होंने लिखे हैं कि सरकारी बेड़ियों बेड़ियां जो स्वर्ण पिंजरों में कैद सा है, अर्थात वो एक ऐसा बेड़ियां जिसको हम मतलब वो सरकारी नौकरी पाने के बाद एहसास होता है कि ये भी नौकरी भी क्या चीज है। एक चीज कवि में जब जैसे जैसे वो उनको नौकरी मिल जाता है और वो जीवन में लगता है कि हाँ अब जो है मेरे जीवन में वो लक्ष्य ही नहीं या सोनापन नहीं है, तब उसके बाद वो अपने समाज को देखते हैं। उनकी कविता में चाहे आप उसको उनके जो है 58 कविताएं है इस संग्रह में, इसमें दो तीन कविताएं सामाजिक जो हमारे विशेष रूप से हमारे समुदाय में जो सामाजिक धार्मिक जो पतन है इसका कवि को बहुत दर्द। उनके दो कविता विशेष रूप से उसमें अतिथि और उसके बाद बेशरम, मतलब मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में धर्म परिवर्तन से जो सांस्कृतिक पतन है उस पर इतने साहसिक शब्दों में लिखने वाले शायद बहुत ही मतलब यही तारो सिंधी ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में अपने समाज में वो देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के चलते जो है हमारे सामाजिक ढांचा में काफी परिवर्तन आने लगा है। और उसमें जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि आधुनिकता के नाम पर या फिर कोई आजकल क्या हो गया कि जो अच्छी बातें थी वो हम भूलते ही जा रहे हैं, और पश्चिमी देशों में जो हमारे लिए वो शायद उतना ठीक नहीं भी होता होगा, उन देशों के लिए उन प्रदेशों के लिए जिसके सामाजिक राजनीतिक आर्थिक भौगोलिक परिस्थितियां जिसकी जैसी है उस तरह का उनका व्यवस्था रहती होगी, पर हम भी अंधाधुन पश्चिमी देशों की उन तमाम व्यवस्थाओं को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसके चलते जो हमारे समाज में जो है ये सांस्कृतिक अस्मिता को जो ठेस पहुंचती है उसका उनको बहुत दर्द है, और उन उनको मतलब जो अपना हमारी खुद की जो व्यवस्था को मतलब क्या कहूँ मतलब डिकारने वाले और उनको जो है ना मानने वाले या इनको मतलब बुरा कहने वाले दूसरे शब्दों में, उनके लिए उन्होंने बेशरम शब्द का प्रयोग किया है। और इसके लिए उन्होंने कहते हैं कि ऊंचा सर बुलंद आवाज छेड़ते प्रभु का नाम, प्रभु नाम का सांस देते अपनी अस्मिता को गाली, ये उनको बहुत ज्यादा तमाम इसके अलावा और भी उनकी जो कविताएं हैं उसमें अस्मिता को गाली और सांस्कृतिक पतन का कवि को बहुत ज्यादा दर्द इसमें देखने को मिलता है। और मेरे जैसे जिस समुदाय से कवि आते हैं, मैं भी हम एक ही मतलब वंश मतलब पिताजी हमारे एक ही हैं, तो इस तरह हमारा समाज में इसकी चिंता है, बुद्धिजीवियों को चिंता है, सांस्कृतिक पतन का चिंता है, और इन सभी को बहुत ज्यादा चिंता हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने जो है
इन्होंने कोई एक क्षेत्र नहीं छोड़ा है। तो इस पे ये जैसे बेशरम कहते हुए उसके बाद उन्होंने अतिथि कविता के द्वारा ये बताने की कोशिश की कि जब आप आए, उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि जब धार्मिक परिवर्तन से जो मतलब हमारे संस्कृति पर जो अस्मिता पर जो चोट है उसके लिए उनको एक ही बात का दर्द है कि आप आए थे अतिथि कविता के द्वारा बताने की कोशिश की कि हम अतिथि को हमेशा स्वीकार किया है और हम आपको भी बहुत नमन करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम आपको भी बहुत मानते हैं, लेकिन आपसे एक ही बात है कि आप आए तो थे अतिथि बनकर, लेकिन हमें पता नहीं था कि मेरे सांस्कृतिक पहचान को आप, मेरे अस्मिता को आप मिटा दोगे, इस बात का मुझे तकलीफ है। वो उस तरह से अपनी कविता के, अतिथि कविता के द्वारा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं उनको, आप आए, हमने आपको बहुत ही मतलब आपको हमने सेवा सत्कार दिया, लेकिन पीछे से आपने जो किया इस बात का मुझे दर्द है। वो कहते हैं, आए जब से वो हमारे घर, संस्कृति हुई हमारी बेघर। तो इस बात का उसको बहुत दर्द है कि संस्कृति हुई हमारी बेघर। मुझे इसी बात का दुख है कि आप आए हमारे बीच और हमने आपको अतिथि के रूप में बहुत ही सेवा दी, लेकिन इसके पीछे आपने जो संस्कृति, हमारी संस्कृति जो बेघर हो गई है, इसका मुझे दर्द है। और बहुत ही नम्रता के साथ वो इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हमें आपसे शिकायत नहीं है, शिकायत है तो इसी बात का है कि मेरी अस्मिता, मेरी पहचान को आप जो है खत्म कर दे रहे हैं। इसी के साथ ये कवि जो है युवा होते हैं और वो देश विदेश में घूमते हैं। हम सब, ये हम भी है, ये कविता हम सब पूर्वोत्तर वासियों को समर्पित है। कल ही हमने हिंदी दिवस मनाए हैं। तो ये कवि यानी युवक वो बाहर अपना भारत देश में ही अन्य प्रदेशों में घूमने जाते हैं और उनको एक ही सवाल किया जाता है कि तुम नेपाली हो, तुम चीनी हो, तुम मतलब कहाँ से हो, ये अरुणाचल कहाँ है। इस सवाल से हम सब कोई ना कोई रूबरू हुए ही हैं। और आज के समय में जब हमारा किरण रिजिजू जैसे मिनिस्टर है अरुणाचल से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनका चेहरा देखने के बाद भी और खेल जगत में हमने बहुत नाम कमाया है इस चेहरा ने, फिर भी ये सवाल बार बार करते हैं कि तुम नेपाली हो, चीनी हो। इस बात का दर्द हम सभी पूर्वोत्तर वासियों को हमेशा रहा है। और जो बाहर बाहर, मेरे कहने का मतलब है कि पूर्वोत्तर को छोड़कर अन्य हिस्सों में जो भी घूमने गए होंगे, हम भी है, यह इस कविता में जो भाव है उससे सब रूबरू हुए हैं। मैं एक दो लाइन पढ़कर बताना चाहूंगी। आपकी दहलीज पर कदम रखते जो हम, सवाल एक तयशुदा, मतलब वही सवाल आपके मतलब प्रदेश के अन्य हिस्से जो मतलब पूर्वोत्तर को छोड़कर, तो तयशुदा मतलब तय है कि एक ही सवाल आप करते हो, आगे व्यंग करते हैं, मतलब उनको जब एक ही सवाल बार बार करते हैं तो ये व्यंग हम तुम्हारे मन में भी आते, उसी को उन्होंने कविता की भाषा में कहा है कि अरे मुख्य धारा में बहने वालों, सभ्यता की चादर ओढ़ने वालों, खुद को शहरी मानने वालों, हमें जंगली कहने वालों। और उसने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका अंत किया है, भारत को माता कहने वालों, उसकी पवित्र कोष से जन्मे हैं हम भी। ये हम भी कविता का नाम ही है, हम भी, और हम भी भारत को माता कहने वालों, उसकी पवित्र कोष से जन्मे हम भी, मतलब बहुत ही सुंदर उन्होंने उसका अंत दिया कि हम कौन है। और कल हमने हिंदी दिवस मनाए और उसमें इस पर ये कि गर जवान से हमारे हिंदी निकले, हृदय आपके मचल डोले, चकित नेत्रों से आप टटोले, हिंदी समझते हो आप फिर बोले। मतलब ये तो हिंदी समझते हो, मेरे साथ तो बहुत ये सवाल मतलब आया था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई तो सबने मुझे कहा कि तुम हिंदी समझती हो, तो फिर दुख है आपको, नहीं दुख है वो मतलब इस पर वो जोर देते हैं, दुख है आपको नहीं भान,
हिंदी जो जो है देश की शान, चारों दिशाओं में ठोकर खाकर गिर रही, आज वो थक हार कर जब वो आई हमारे आंगन। तो ये हम भी कविता के द्वारा उन्होंने तमाम पूर्वोत्तर वासियों के जो उन सवालों को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बांधने की कोशिश की। और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश में बीच में बहुत ज्यादा राजनीतिक आपाधापी, उसी समय में उन्होंने जो है इस ये कविताएं उन्होंने लिखी है, जिसमें राजनेताओं के कारण ठगी या राजनेताओं के कारण हमारे देश की छवि जो खराब हुए हैं उस पर, हमारे देश की ना हमारे राज्य की, उस पर भी उन्होंने लिखी। और उसके बाद यही नहीं है, वो केवल अपने राज्य की बात नहीं करते हैं, तमाम देश की भी बात करते हैं। युवा कवि तारा सिंह देखिए हमेशा सतर्क रहते, समसामायिक सभी विषयों पर उनका बहुत ज्यादा वो सतर्कता के साथ देखते हैं, परखते हैं और इसके बाद जो है वो लिखते हैं। तो उनकी कविता मुद्दे मतलब जब चुनाव आते हैं तो राजनेताओं की, हम जब भी राष्ट्रीय चैनलों में देखते हैं कि राजनेताएं इधर से उधर घूमते रहते हैं, सबको अपनी बात मनवाने के लिए, और वो मतलब इतने तक कि वो गांव शहर जंगल पहाड़ में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। उस पर उन्होंने मतलब उस पर उन्होंने व्यंग्यात्मक कविता लिखे और उसमें उन्होंने मतलब मुद्दे कविता की जो शीर्षक है वो मुद्दे है, मैं एक दो लाइन पढ़कर बताती हूँ। जब कुर्सी का मोह तैयार, मतलब वो जो राजनेता जो है वो अपना घर बार छोड़कर कीचड़ गांव गरीब जंगल में घूमने लगते हैं, तो उस पर उन्होंने व्यंग करते हुए कहते हैं, गरीबी की उपजाऊ जमीन पर मुद्दों की अच्छी फसल उगाकर निकल पड़े हैं जुलूस, निकल पड़े वे जुलूस निकाल कर। मतलब गरीबी होना है उनके लिए एक सुंदर मुद्दा है और गरीब लोगों के बीच जाकर अपनी बात मनवाने के लिए, बोझ के लिए बात करने की, उनकी तरीकों पर मतलब उनके सामने गरीब लोगों के सामने जाते हैं और वो अपनी को इस तरह से अपने को प्रस्तुत करते हैं कि हम ही मसीहा है। उस भाव पर उनका जो वाक्य है मतलब वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। चंचल नैनों की कुटिल अग्नि सुलगाते, ये मतलब बहुत ध्यान देने ही ओके कि मतलब एक राजनेता वो कभी भी झोपड़ी में नहीं रहे हो, कभी भी मतलब पैदल नहीं गए हो और गरीबों के बीच कभी नहीं गए, लेकिन वो आज गरीबों के बीच आते हैं, पहली बार रूबरू होते हैं, वो गांव का आदमी भी पहली बार इतने बड़े नेता को अपने आंगन में देखते हैं और उसके बाद पता है इनके बीच जो बातचीत होती होगी उसका उन्होंने मतलब भाव बहुत सुंदर उन्होंने दिया है कि चंचल नैनों की कुटिल अग्नि सुलगाते आ पहुंचे वे मुद्दों के खुले बाजार में। चंचल नैन, नैन चंचल है और कुटिल अग्नि को सुलगाते, यानी उस अग्नि में खुद का उनका क्या क्या लाभ छुपे हुए है, उनकी आंखों में इतनी मतलब ध्रुतता कह सकते हैं, मतलब वो कुछ लेने के लिए इसके बीच में आए हुए हैं, वो भाव देने के लिए आगे। ये और लंबी कविता है और ये कविता पूरा पढ़ने के बाद आपको वो जब हम लोग चुनाव की समय में जो राजनेताओं की जो स्थिति होते ना, वो किस तरह से मतलब इधर से उधर घूमते हैं जंगल में पहाड़ में, और वो बिल्कुल चित्र जो है सामने आ जाते हैं। उसके बाद एक जो एक मतलब एक बालक लड़का मुझे जो क्या बोलते हैं लड़का जो है सब तमाम सपना के साथ तमाम इच्छाओं के साथ पलते बढ़ते हैं, लेकिन जब उसका लगता है कि आप मैंने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, और सामान्यतः पढ़ाई लिखाई डिग्री करने के बाद एक बेरोजगार युवक के हृदय का क्या स्थिति रहती है उसका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन नौकरी के नौकरी की एक दास्ता और अन्य जो उनकी जो भाव जो
भावों का चढ़ना उतरना, पल पल बदलते मनोभाव, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मैं इतना बेकार हूँ, उस तरह की कई बार लगने लगता है पढ़ लिख लेने के बाद, घर वाले को लगने लगता है कि अब उसको कमाना चाहिए, अब हमको भी लगने लगता है कि नहीं अब उनको घर वालों से पैसा नहीं लेना चाहिए। तो वो कशमकश, वो सब स्थिति को उन्होंने खोज और अन्य बहुत सारे उनका शीर्षक के बहाने उन्होंने निरंतर और रफ्तार वो सब बहाने उन्होंने बहुत ज्यादा इसका जो है बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं कभी 58 जो कविताएं हैं मैं सबका वर्णन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ जो कविताएं हैं जो खास है मैं आप लोग, खास माने सभी खास है, लेकिन अभी मैं कुछ समय में बताने की जो स्थिति में जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अंत में कभी जो है वो युवक है उसका नौकरी भी हो जाता है और वो नौकरी मिलता है, उसके बाद उनका उनको लगता है कि जीवन में अभी और बसरना बाकी है और जीवन में और मुझे काम करना बाकी है, उस तरह की मनोस्थिति में आते हैं। और उसी कश्मकश में उसको पिता, पिता यानी पिता नामक कोई एक इंसान उसको याद आता है, अर्थात उनका बाल्यावस्था में पिताजी के गुजर जाना और माँ, माँ जो है उनको पिता बनकर पालना, और उसके बीच में वो माँ माँ के दर्द को देखना। तो बाद में जब वो खुद पिता बनने की स्थिति में आ जाता है, इतना मतलब उसमें वो उसकी अवस्था ऐसा हो जाता है, तब उन्होंने ये पिता नामक कविता लिखी। उसमें एक बहुत ही बाल्य अवस्था में पिताजी गुजर गए हो, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा मतलब उसका स्मृति को आप मिटा भी नहीं सकते हो, लेकिन आप उसे ला भी नहीं सकते क्योंकि बहुत स्पष्ट भी नहीं है। एक ऐसे बालक की स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन है, मैं दो पंक्ति पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। तू एक बेरंग तस्वीर, तू एक बेरंग तस्वीर स्मृति की दीवारों पर अधगिरा सा टंगा, जिसकी शक्ल भी कहीं गुम है, जिसकी शक्ल भी कहीं गुम है, मतलब बेरंग तस्वीर। वो बाल्य अवस्था में जिस भी तरह की उसने पिताजी के लिए तस्वीर उनके सामने मतलब रहा होगा, वो स्पष्ट स्वयं भी नहीं कर पा रहे, तो उस अवस्था को जब वो स्वयं उस तरह की अवस्था में आ जाते हैं पिता बनने की अवस्था में, तो वो उसको अपने चेतना के द्वारा वो उसको जीवित करने की कोशिश इस पिता नामक कविता में हमको देखने को मिलता है। और हम तारो सिंधी जो कवि है इस कविता संग्रह का, और उसका जन्म एक ऐसे अंदर गांव में दापुरजो में होता है। उसके बाद जब से वो जन्मा होगा, जब से उन्होंने जानना समझना शुरू किया है, तब से वो दिल्ली को सुनता होगा। हम सबने भी यही किया दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारा राजधानी है और उसके लिए हम क्या क्या कल्पना पार कर रखते हैं, और एक बार पहले तो हम लोग दिल्ली घूमने जाना चाहते हैं। वही मन हर जो हम पूर्वोत्तर में जन्मे पले सबका रहता है कि एक बार दिल्ली देख ले, लेकिन दिल्ली को देखने के बाद एक कवि का मन क्या कहता है और उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बात कह रहे, और तुम लोगों को भी, मतलब आप लोग जो भी पूर्वोत्तर में मतलब पले बड़े हैं और दिल्ली को सुनती रहे, जब बड़ी हुई तो दिल्ली देखने को मौका मिला तो आपको किस रूप में दिखाई दिया। तो मैं दिल्ली कविता जो है मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, छोटी सी कविता है, मुझे बहुत ऐसा लगा जैसे मेरी ही बात कर रहे हैं। हाँ, भागती दौड़ती जिंदगानियां, रोशनी ढकती रोशनियां, हवाएं चीरती गाड़ियां, भागती दौड़ती जिंदगियां, रोशनी ढकती रोशनियां, हवाएं चीरती गाड़ियां, एक जैसी सड़कें और गलियां, आसमान छूती इमारत।
शहर है कि भूल भुलैया फिर भी धड़कता ही जाता है, भारत का दिल फिर भी धड़कता ही जाता है, भारत का दिल। ये दिल्ली के लिए। और इसके बाद एक बालक, वो अपने आजाद देश में जन्मा हुआ एक बालक है, और इसके बाद जो है उसको इस बात का एहसास है कि इस देश को आजाद करने में हम भारतवासियों की तमाम हमारे क्रांतिकारियों के खून से सींचे हुए हैं। उन अनगिनत क्रांतिकारियों ने, उन ऐसे मतलब किसी को हम जानते हैं किसी को हम नहीं जानते हैं, तमाम लोगों के बलिदान के बाद हमारा जन्म आजाद भारत में होते हैं। और इसके बाद वो आजाद भारत पर कविता लिखते लिखते आगे जो है अंत तक आते आते इसका विचार जो है अब्दुल कलाम को सलाम करते हुए, अब्दुल कलाम को सलाम करते हुए और सर्वजन प्रिय, तो अब्दुल कलाम है तो राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति होते हुए भी वो बहुत ही सबको बहुत प्रिय थे, वो सर्वजन प्रिय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं। और इसके साथ में उन्होंने परिभाषा नाम का कविता लिखते हैं, जिसमें आजाद भारत के लहराते तिरंगे को वो देखते हैं और देखते हुए वह सवाल करता है कि मानसिक रूप से हम जो भारतवासी आज भी गुलाम हैं, इससे हमारी मुक्ति कब होगी। भाषा के रूप में और पश्चिमीकरण के कारण जो सांस्कृतिक पतन हमारा देश में हो रहा है, धार्मिक पतन हो रहा है, उससे हमें कब मुक्ति मिलेगी। तो वो आगे कहते हैं कि तिरंगों में लिपटा हुआ धर्म चक्र तलाश रही है अपनी मंजिल, तिरंगों में लिपटा हुआ धर्म चक्र तलाश रही है अपनी मंजिल, कहकर अपनी कविता को समाप्त करते हैं। तो संपूर्ण कवि काव्य संग्रह को पढ़ने के बाद अंत में मैं यही कहूंगी कि यह एक उन तमाम पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले उन तमाम लोगों को मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने इस देश को, इस देश की राजधानी को सुनते हुए, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ इस तरह के सवाल होते हैं, उन सभी मनोभाव को, उनके सवाल को सुनने के बाद हमारे हृदय में जो बात आती है उसको उन्होंने काव्य के रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत की है। दूसरी बात, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सब कहते हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसी थी वैसी थी, लेकिन अब है नहीं, जो थी वाली का थी तो अब कहाँ चली गई, कैसे चली गई, इसका दर्द कवि को बार बार है। कवि इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें जो है हमारी संस्कृति में जो अच्छाई है उसे बरकरार रखना चाहिए और इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यही हमारी अस्मिता का पहचान है। इस बात को वो बार बार दोहराते हैं। और आगे आने वाले समय में मैं तारोह सिंधिक सर से और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हम पूर्वोत्तर वासियों की जुबान बनकर आप हमारे बीच आए और इस तरह की कविताओं से हमारे हृदय में जो अनकहीं अव्यक्त भाव है आप व्यक्त कर दे। और इसी के साथ उन तमाम आयोजकों को जिन्होंने मुझे तारोह सिंधिक जैसे कवि और उनके अक्षरों की बिनती जैसे काव्य संग्रह के संबंध में संपूर्ण भारतवर्ष या कहूं कि विश्व को बताने एक जैसी भाषा में बोलता है। और सिंधिक सर से बहुत कुछ उम्मीद करती हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सुना और इतना देर सुनने की हिम्मत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेत को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बीच में नहीं रहते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने इतने सारे ज्ञानवर्धक बातें हमारे समक्ष रखे कविता के माध्यम से, चाहे वह अरुणाचल के जनजाति जीवन के संघर्ष की बात हो
आपने एकदम तथ्यता के साथ हमारे समक्ष रखे, और इस आपने कविताओं के माध्यम से कई सारे जो ज्ञानवर्धक तथ्य रखे, वे मुझे लगता है हमें, हमारे जो बीच जो प्रतिभागी है वे लाभान्वित हुए होंगे। मैडम आपको मेरे फिर से धन्यवाद। अब मैं इस तकनीकी सत्र के जो अध्यक्ष महोदय है प्रोफेसर जय कौशल, हिंदी विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग असम विश्वविद्यालय इफू कार्बी आंग्लोंग से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी वक्तव्य के हमारे समक्ष रखें, परंतु इससे पूर्व मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप वर्तमान में असम विश्वविद्यालय इफू कैंपस कार्बी आंग्लोंग असम में विभाग अध्यक्ष है। आपने कई संगोष्ठियों का आयोजन का कार्य भी किया, इसके साथ ही साथ आप एक शोध निदेशक के रूप में भी शोधार्थियों को मार्ग प्रशस्त करवाते रहे। आपके नेतृत्व में अब तक 2 शोधार्थी अपना शोध कार्य संपन्न कर चुके हैं। आपने विभिन्न संगोष्ठियों में आमंत्रित व्याख्यान दिए, आपने कई पुस्तकों का अनुवाद कार्य भी किया। आपको 2016 में वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट मॉरिशस द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लेख प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आप कई वर्षों तक त्रिपुरा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। आपके अब तक 4 पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना अध्यक्षतम वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। सर प्लीज। नमस्कार, खुलुमखा कारदम दीपर कहाम जोहार खुबले कुजू पायल इंचो। विमेंस कॉलेज अगरतला के हिंदी विभाग द्वारा आदिवासी साहित्य और समाज एक पुनर्मूल्यांकन शीर्षक से आयोजित किए जा रहे इस 2 दिवसीय वेबिनार के संरक्षक और प्रिंसिपल डॉक्टर मणिदीपा देव वर्मा जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन और सुंदर निर्देशन में ये प्रोग्राम इतनी सफलता से चल रहा है। हिंदी विभाग की अध्यक्ष और इस आयोजन के संयोजक तथा मेरी शोधार्थी भी श्रीमती लिली देव वर्मा जी, कार्यक्रम के आयोजन सचिव हिंदी विभाग से जुड़ी और मेरी शोधार्थी रही डॉक्टर अनुराधा देव वर्मा, इस वेब गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे त्रिपुरा के प्रमुख साहित्यकार और विधायक डॉक्टर अतुल देव वर्मा जी, कल के आयोजन में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रही श्रीमती वंदना टेटे जी, कल के सत्र की अध्यक्षता करने वाली डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जी, कल प्रस्तुत पेपर प्रस्तुत करने वालों में जो आज भी मौजूद हैं डॉक्टर छुकी भूटिया जी, आज के प्रपत्र प्रस्तोता, आयोजन समिति के अन्य सम्मानित सदस्य, शिक्षकों, शोधार्थियों, दोस्तों, मित्रों, मैं आप सभी का इस आयोजन में अपनी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि आदिवासी साहित्य और समाज पर आपकी समझ समृद्ध हो रही होगी। आज जिन्होंने प्रपत्र प्रस्तुत किए, डॉक्टर फिल्मिका मार्बेनियांग जिन्होंने समकालीन खारसी कथा साहित्य और मूल्य विघटन तथा इस पर पेपर प्रेजेंट किया, डॉक्टर जोरम आनिया ताना जिन्होंने अरुणाचल का आदिवासी साहित्य विषय पर अपनी बातचीत रखी, ये दोनों अगर मैं थोड़ा सा छूट लेकर कहूं तो मेरी वरिष्ठ हैं और निजी रिश्ते में दीदियां भी, तो मैं उनके प्रपत्रों पर अपनी टिप्पणी तो क्या करूंगा, जो सीखा है वो मैं जरूर रेखांकित करूंगा और उसके बाद मैं थोड़ी सी बात अपनी करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ कि आदिवासी साहित्य मेरा सीधा विषय नहीं है। हाँ, पिछले 11-12 वर्षों से जो पूर्वोत्तर आदिवासी धरती पर रह रहा हूं आप सबके साथ, उस क्रम में कुछ ऑब्जर्वेशन जो हुए और कुछ सीखा उस पर मैं अपनी बात करूंगा। इस आपके कार्यक्रम की तैयारी के दौरान कुछ चीजें देखी और कुछ ऐसी चीजें देखी जिनका जिक्र कल से आज तक अगर होता तो अच्छा होता, वो होते तो मुझे लगता है ये और मुझे लगता है समृद्धि की ओर ये वरिष्ठ ये प्रोग्राम जाता।
जैसे कि मुझे एक लेख याद आता है प्रोफेसर वीर भारत तलवार का। वीर भारत तलवार जेएनयू में प्रोफेसर थे, आदिवासी साहित्य पर वर्षों से 25-30 वर्षों से काम करते रहे हैं, और मैं चूंकि उनके साथ रहा, डॉक्टर मिलनल जमातिया भी रही और आप में से बहुत सारे लोग उनके साथ रहे जब उन्होंने पूर्वोत्तर की एक महीने की यात्रा की थी अपने इसी आदिवासी साहित्य और दर्शन को समझने के लिए। उस एक महीने की यात्रा के बाद उन्होंने एक लेख लिखा था जो तद्भव में छपा था, तद्भव 34, आदिवासी और आदिवासी साहित्य की अवधारणा। मुझे लगता है उसका जिक्र होना बहुत जरूरी था, बहुत थोड़े से संदर्भ आए, अगर उस पर डिटेल में बात होती तो अच्छा रहता। मैं उस पर अपनी बात केंद्रित करूंगा। थोड़ा सा जो सीखा मैंने डॉक्टर फिल्मिका मार्बेनियांग से, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है हम सब ने सीखा, हम सब खासी साहित्य पर, मैं टिप्पणियां देख रहा हूं चैट बॉक्स में लगातार आ रही हैं कि कैसे समकालीन खासी कथा साहित्य और उसके मूल्य विघटन पर इन्होंने अपनी बात रखी। इन्होंने बताया कि खासी समाज मातृसत्तात्मक नहीं है, मातृवंशीय है, और ये बहुत रेखांकित करने वाली बात है कि मैट्रियार्कल सोसाइटी और मैट्रिलिनियल सोसाइटी में क्या अंतर होता है। शब्द बदल जाने से कितनी सारी चीजें बदल जाती हैं। यहां से इन्होंने अपनी बात शुरू की थी, और खासी समाज की उत्पत्ति को लेकर जो तीन की विशेषताएं और आज्ञाएं हैं वो इन्होंने बताई। खासी संस्कारों पर बात की, हम बचपन से सुनते आए थे प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन का इनके यहाँ कितना महत्व है उस पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा। एक और बात जो मुझे, मैं सोच रहा था, इन्होंने इनके यहाँ एक लोक विश्वास है जिसका इन्होंने जिक्र किया कि सारे काम ये दाएं हाथ से करते हैं। अच्छी बात है, लोक में ये व्यवहार है, पता नहीं मेरे जैसे लोग जो लेफ्ट हैंडर हैं उनका क्या होता होगा, पर चलिए ये जो विशेषता है इसकी तरफ हम बात को रेखांकित करते हैं। अच्छी बात है, आजकल कुछ चीजें बदल भी रही हैं। इन्होंने बताया कि कैसे ऊंच नीच की भावना नहीं मिलती, लड़की जब पैदा होती है पहली मैंने बेटी के यहाँ, तो वो कैसे दादी के यहाँ लेके जाती है, और पूरा संस्कार कैसे बनता है। ये सीखने वाली चीजें हैं, वाकई समझने वाली चीजें, और ये जो मूल्य है ये बहुत सारी जगहों पर नहीं है। मुझे लगता है जितने श्रोता हैं, सुधी श्रोता इस ओर ध्यान दे, बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटियों में नहीं है जो यहाँ है, हमें सीखना है उनसे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। खेत में काम की बात इन्होंने कही, बुजुर्गों की किस तरह से महत्ता यहाँ है, पुरुषों का। हम बार बार कहते हैं कि अगर मैट्रिलिनियल सोसाइटी रहेगी तो पुरुष क्या करेंगे, ये स्वाभाविक सवाल आता है। इन्होंने बिना मतलब इस सवाल के उठाए अपनी ओर से उस चीज को रेखांकित किया कि कैसे पुरुषों की महत्ता, मामा, सारे देश में मामाओं का महत्व है, मामा मजाक में भी होते हैं, मामा संस्कारों में भी होते हैं, लेकिन इनके यहाँ मामा कैसे कैसे हैं। चुकी घोटिया चैट बॉक्स में लिख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने वो बात वहां से जोड़ दी, मेरे लिए सुविधा भी हो गई कि घोटिया समाज में भी मामाओं का बड़ा महत्व है। उन्होंने दो रचनाओं का जिक्र किया, फिर वही जो ये विषय है साहित्य और समाज, बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने बात कही कि पहले इन्होंने सोसाइटी को रेखांकित किया और फिर उसको साहित्य, उस साहित्य में उसकी उसकी जिसको उपयोगिता या एप्लीकेबिलिटी क्या है उस पर इन्होंने फोकस किया। दो चीजें इन्होंने कही, एक उपन्यास, मैं अगर ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊं तो, ओराई मनबा दसीसा, पता नहीं, ओके, इस उपन्यास में इन्होंने ढेर सारी नई चीजें जोड़ी, कैसे कैसे मूल्य जो सोसाइटी में प्रवेल करते हैं वो मूल्य कैसे कमजोर पड़ रहे हैं, क्षरित हो रहे हैं, या उन्हें कैसे रिस्टोर करने की जरूरत है, और रचनाकार कितना चिंतित है। मुझे एक उपन्यास याद आ रहा था, बंगला में लिखा हुआ है, इतास एक्टी नोदिर नाम, अगर आप में से कोई उस उपन्यास को से गुजरा होगा तो उसमें भी लगभग यही चीजें, कैसे हमारी संस्कृति लगातार क्षरित हो रही है, बंगला भाषी सोसाइटी कैसे लगातार दूसरे उन विषयों की ओर जा रही है जो जिनके ओर उन्होंने नहीं जाना चाहिए था। ये उपन्यास भी मुझे उस लिहाज से बहुत, इन्होंने बड़ा मार्के का उपन्यास चुना है, मैं कहूंगा कि इसका हिंदी अनुवाद होना चाहिए, और अगर ये काम आज की प्रपत्र प्रस्तोता
डॉक्टर फिल्में का मारबनियांग ही करें तो क्या ही अच्छी बात है। इन्होंने कहानी का भी जिक्र किया, क्या है किचनिया कुंजुआबा ताहिन, सॉरी अगर मैं गलत प्रनाउंस कर रहा हूं तो। इस कहानी की कितनी विशेषताएं हैं, भ्रष्टाचार, और देखिए ये कमाल की बात है, मैं जब उनके तलवार सर के लेख से कुछ बातें कोट करूंगा तो उन्होंने भी इस चीज को रेखांकित किया, कैसे अपने ही लोग अपने ही लोगों का शोषण करते हैं। हम तो लगातार कहते रहते हैं ना कि भाई आदिवासी समाज बड़ा सामूहिक है, कल भी मैंने ये बात सुनी, सामूहिकता बहुत जरूरी है, अच्छी बातें रहनी चाहिए, लेकिन इस सामूहिकता में जो दरक रहा है, जो छीज रहा है, जो टूट रहा है, उसके और भी ध्यान जाना चाहिए। कहानी उस तरह से हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाती है और अपने लोगों के साथ जो हो रहा है उसको दर्शाती है। बढ़िया कहानी चुनी और मैं आपको बधाई दूंगा कि मैं खासी साहित्य पर पहले से बड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर फिल्मी का मार बनिया, और उसके बाद बात करें डॉक्टर जोरम आनिया ताना ने अरुणाचल का आदिवासी साहित्य ये शीर्षक चुना और उन्होंने तारो सिंधिक का 2017 में, तारो सिंधिक अरुणाचल के एक बहुत चर्चित कवि हैं और अब सिर्फ वो अरुणाचल के कवि नहीं है, उनको हिंदी में युवा साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, वो पूरे भारत के कवि, अब बहुत स्थापित कवि है, अक्षरों की गिनती उनकी वाकई बड़ी अच्छी रचना है, उनकी कुछ कविताओं से मैं गुजरा हूं और आज बहुत सारी कविताओं का जिक्र डॉक्टर जोरम कर रही थी, मेरी माँ जानती है इस कविता का उन्होंने जिक्र किया, कैसे सामाजिक धार्मिक पतन होता है अतिथि और बेशर्म के माध्यम से इन्होंने बताया, संस्कृति के साथ हो क्या रहा है, वो कविताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आए जब से वो अपने घर, संस्कृति हुई हमारी बेघर, मार्के की लाइन है, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कौन लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और उन घर आकर वो क्या, पॉपुलर भाषा में कहूं तो गुल खिला रहे हैं और हमारी संस्कृतियों को कैसे बदल बिगाड़ रहे हैं। और अगर कवि की दृष्टि, बड़ा अच्छा रेखांकन किया है डॉक्टर जोरम ने, अगर कवि की दृष्टि इस दिशा में है तो ये रचना की सफलता भर नहीं है, पूरी सोसाइटी की सफलता है। अस्मिता की बात उन्होंने की, दिल्ली पहली बार जब देखता है एक आदिवासी कवि, एक आदिवासी दृष्टि कैसे एक बड़े शहर को देखती, दिल्ली की जगह कुछ और भी रख देंगे तो मुझे लगता है जितना मैंने सुना वो कोई भी बड़ा शहर हो सकता है, दिल्ली की जगह आप कोलकाता रख दीजिए, मैसूर रख दीजिए, मद्रास रख दीजिए या तो मुंबई रख दीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता है, पर एक दृष्टि जिसने पहली बार अपनी नजर से चीजों को देखा वो कैसे उसको रेखांकित करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उन्होंने कुछ कविताएं सुनाई, पिता का जिक्र किया, परिभाषा मैं मेरी माँ जानती है से लेकर उनका जो सफर शुरू हुआ अपनी बात रखने का, वो परिभाषा और अब्दुल कलाम तक आता है। तो इतनी सारी चीजें हमने आज के इन दोनों व्याख्यानों में सीखी, मुझे लगता है कि हम वाकई बेहतर, समृद्ध और जानकार महसूस कर रहे हैं इन दोनों दिनों के कल से लेकर आज तक ये जो आपका वेबिनार चल रहा है। मैं बहुत थोड़ी बात करूंगा अगर हम आदिवासी साहित्य की बात करें, आदिवासियों की बात करें या उसके सोसाइटी की बात करें, तो मुझे तलवार जी का वो लेख जिसमें उन्होंने कोल और जो दूसरे बिरहोर या कुछ और जो संथाल और जो वहाँ के झारखंड छत्तीसगढ़ उस एरिया के आदिवासी हैं, उनके उनके शब्दों की या जातियों की, जनजातियों के बल्कि कहना चाहिए, उनके नामों की विशेषता और अर्थ क्या है, मुझे याद आ रहा था कॉक बरक, उन्होंने बताया कि मुंडारी में बिर का क्या मतलब होता है, जंगल, और होर का मतलब होता है मनुष्य, कोल है वो भी कोर से बना है और वहां भी उसका भी मतलब होता है मनुष्य, कॉक बरक में बरक का मतलब ही होता है मनुष्य। कैसे हमारी भाषाओं में, हमारी जनजातियों के नामों में कैसे मनुष्यता
रेखांकित होती है या दिखाई देती है वो कमाल की चीज है। और ये जनजातियों में है। हम अगर जातियों की बात करें तो मुझे लगता है कि जातियों का अर्थ इतना खूबसूरत नहीं निकलता जितना इन जनजातियों का अर्थ निकलता है। तो अगर आइडेंटिटी की बात करें, जहां से फिल्मिका जी कह रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, युद्ध का जिक्र किया उन्होंने कि युद्ध पुरुष लड़ते रहते हैं और माएं बच्चों को संभालती हैं, तो क्यों ना, क्या खूबसूरत बात है, क्यों ना माओं के नाम से ही वंश चले। प्रथम विश्व युद्ध की बात कीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कीजिए, जितने युद्धों की बात कीजिए, पुरुष जब मारे जाते हैं तो महिलाएं जितनी परेशान होती हैं, उनकी नजर, मुझे ध्यान नहीं है, मेरी जितनी सीमित जानकारी है मुझे ध्यान नहीं है कि किसी ने इस तरह भी सोचा होगा। पति मर जाता है तो स्कूल में अगर बच्चे का नाम रखना हो, नाम लिखवाना हो, तो बड़ी मुश्किल आती है, पिता का नाम क्या है, और अगर पिता नहीं है तो मां का नाम लिखना, यह अपने आप में एक सवाल है। तो ये चीजें आदिवासी सोसाइटी से समझने की है। मित्रों, एक बुनियादी फर्क जो छत्तीसगढ़ या उस एरिया की बात करें जहां पर संथाल और ये आदिवासी रहते हैं, बिरहोर और दूसरे, इन आदिवासियों और पूर्वोत्तर के आदिवासियों में बड़ा फर्क है और इस फर्क को समझना जरूरी है। इन ये फर्क ये है कि ये सारे आदिवासी अपनी जिनकी इनकी जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, ये उनसे उनसे बहुत कुछ अलग सीखते हैं। उनसे ये सीखते हैं कि कैसे महिलाओं को, चूंकि अगर जिस सोसाइटी में रहते हैं वो अधिकतर हिंदू बहुल समाज है और वहां यस पितृसत्ता है, पितृसत्ता का बहुत सारा हिस्सा है, जब वो है तो उसके आसपास रह रहा अशिक्षित समाज, कहीं ना कहीं जिसे हम वो डी संस्कृताइजेशन कहते हैं, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अमन श्रीनिवास मुझे याद आ रहा है, वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, वो ये सीखता है कैसे महिलाओं को कंट्रोल में रखा जाए। आदिवासी सोसाइटी की ये विशेषता नहीं है, पर अगर ये सीख रहा है तो ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं। मुझे लगता है कि हमको संस्कृति के हिस्सों पर, इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए। हमारे लिए जमीन का क्या मतलब है, हम जैसे लोग जो गैर आदिवासी लोग हैं उनके लिए जमीन का मतलब क्या है, प्रोडक्टिव लैंड, हम उससे क्या पा सकते हैं, क्या कमा सकते हैं। पर किसी आदिवासी सोसाइटी के लिए जमीन का मतलब ये नहीं है, वो जीवन है, वो एक ऐसा इलाका है जहां वो आराम से रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, और उसको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है, वो उसकी उसका राज्य है एक तरह से। ये जो सिक्स शेड्यूल लागू हुआ जिन जिन जगहों पर, और सिक्स शेड्यूल के लिए जितनी सारी, मैं जहां रहता हूं वो भी उसी एरिया में आता है, और त्रिपुरा में और दूसरी जगहों पर भी, जहां जहां सिक्स शेड्यूल है वहां के लोग अपनी जमीन को लेकर कितने कितने अटैच हैं। हमारे यहाँ जमीन की परिभाषा ही अलग है, ये समझना है हमें आदिवासी सोसाइटियों से। हाँ, हमें ये भी समझना है आदिवासी सोसाइटियों से, ये जो कल सामूहिकता की बात हो रही थी, बहुत रेखांकित किया गया कि आदिवासी समूह एक साथ रहते हैं, बहुत समूह में रहते हैं, पर सच ये है कि उस समूह की जो स्थितियां वो अब बदल भी रही। इन्हीं आदिवासियों में आपको बिल्कुल याद आएंगे, इन्हीं आदिवासियों में हम ही सब में, हमारे आसपास अमीर हैं, गरीब भी हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग अधिक शिक्षित हैं, कुछ कम शिक्षित हैं, वो कहानी का जिक्र कर रही थी फिल्म का। और ये जो गैप है, ये गैप कैसे एक दूसरे को, एक दूसरे पे आश्रित और शोषण करने का तरीका भी दे देता है, ये आप हम इन्हीं सोसाइटियों में देख भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विघटन है, इसको बदलने की और देखने की जरूरत है, कैसे एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को समझने में मुश्किल कर रही है। मैं एकदम नाम लेके उदाहरण दे रहा हूं, और बिल्कुल हमारे साथ घटा है,
जब हम त्रिपुरा के गोरिया लोक गीत का संकलन कर रहे थे, डॉक्टर मिलन रानी जमातिया वहां है, तो उन्होंने त्रिपुरा के हमारे यहाँ स्टाफ हैं, एमटीएस थे, उनसे कहा, और वो दूसरी जनजाति से आते हैं, उनसे कहा कि हम त्रिपुरा के ये जमातिया लोक गीत इकट्ठे करने जा रहे हैं उनकी पूजा में, गौरिया पूजा में जाते हैं। उनका, अरे आप लोग तो शैतान की पूजा करते हैं, प्लीज मैं सेंटिमेंट हर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये रेखांकित करना चाहता हूं कि कैसे हम भी आदिवासी हैं, आप भी आदिवासी हैं, हम भी जनजाति हैं, आप भी जनजाति हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं, आसपास रहते हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते या एक दूसरे के बारे में ऐसी नकारात्मक सोच रखते हैं, तो ये तो बुरी बात है, तो सामूहिकता को कैसे समझेंगे। और जब हम वहां गए तो जिस ड्राइवर को लेकर गए थे, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे, वो ड्राइवर कहता है कि मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं, उसे त्रिपुरा का व्यक्ति, हम कैसे सामूहिकता को बचाएंगे, कैसे हम, अगर एक दूसरे को समझे नहीं, एक दूसरे को हमने समझा ही नहीं, तो हम एक दूसरे के नजदीक कैसे जाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है। मित्रों मैं समय ले रहा हूं, लेकिन ये जो संक्रमण हो रहा है, युद्ध की बात हम कर सकते हैं, फिल्मिका कर रही थी, आपसी फूट की बात कर सकते हैं, अमीरी गरीबी के इस गैप की बात कर सकते हैं, शिक्षा अशिक्षा के इस गैप की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपने मूल्यों को, अपनी संस्कृति को बचा के नहीं रखा, जहां से तारो सिंधिक बात कर रहे थे, मुश्किल हो जाएगी। तो पहले सोसाइटी बचानी जरूरी है, अगर सोसाइटी बची तो कल्चर बचेगी, संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बची, समाज और संस्कृति बची, तो साहित्य आएगा। ऐसा नहीं कर देना है कि समाज तो टूटते रहे, छिजते रहे, दरकते रहे, और आदिवासी साहित्य फलता फूलता रहे, ऐसा नहीं कर देना है। हमें ऐसा साहित्य नहीं चाहिए जो विश्वास और सत्यता से परे हो। कल्पना का लिटरेचर हमें नहीं चाहिए, वो चला गया दौर। हमें यथार्थ की भूमि पर टिका हुआ और उसी पर लिखा हुआ लिटरेचर चाहिए, और ये लिटरेचर तब आएगा जब हम कनेक्टेड होंगे, डीपली कनेक्टेड होंगे अपने अपने समाज से, अपनी संस्कृति से। आसानी से नहीं आती है तारों की ये कविता कि आप मेरे घर में आकर मेरी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, ये आसानी से नहीं आती। इसके लिए जो गहरी मनश्चेतना चाहिए उसकी जरूरत है। शायद मैं, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं उस तरह नहीं सोच पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा जैसा तारो लिख रहे थे और जिसका रेखांकन डॉक्टर जोरम कर रही थी। मित्रों हमको इसको समझने की जरूरत है, हमें आपसी टकराहट से बचने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। हुआ क्या, अगर हम इसी तरह टूटते रहेंगे तो एक दिन ये आने वाला है कि पता नहीं ये सिक्स शेड्यूल की क्या स्थिति बनेगी। पता चला इसी में, आज हम जिसे हम जिस जगह में, जिसमें, जिस एंटिटी, जिस टेरिटरी में जाकर अपने को समझते हैं कि अब ये मेरी धरती है, पता चला उसमें भी कुछ ऐसा नियम रूल कानून आ जाए कि वहां दूसरे लोग भी एंट्री पाने लगे। विवादित वक्तव्य दे रहा हूं तो माफ करिएगा, लेकिन जरूरी है उस जगह को बचाए रखना, जरूरी है उस जगह को बचाए रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक दूसरे से मिले ना, पर कुछ ऐसा ना कर ले कि आपका आपको नुकसान हो जाए। क्या हो रहा है, मुझे मैलाचल याद आता है, आपकी जमीन, तहसीलदार विश्वनाथ वो संथालों को पहले उनसे जमीन साफ करवाता है, और उसके बाद उनको 5-6 साल जब वो जमीन कर लेते हैं, खेती जमीन में खेती कर लेते हैं, उपजाऊ हो जाती है, तब उनको पीट के भगा देता है। वो बेचारे क्या करेंगे, तो उस जगह को छोड़ जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, और वो उपजाऊ जमीन जो 5-6 साल इन्होंने जी जान लगा के संथालों ने उपजाऊ बनाई थी, बंजर जमीन जो थी उसको वो हथिया लेता है। इसके अनेक अर्थ हैं इस बात के, क्या हम वैसा होने देंगे, नहीं होने देना है। एक और स्थिति बनती है
कि भाई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी, इस बात के साथ जुड़ी ये बात है कि जैसे आदिवासी रहते हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, उनके पास जल जंगल जमीन एंड ऑल सब्जियां एंड वो आत्मनिर्भर एंड सब है, तो हमें उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए उनके उनके उस टाइप। ये बात समझ में आती है कि हमें उन्हें नहीं छेड़ना है, लेकिन क्या हमको उनको शिक्षा से दूर कर देना है? नहीं। क्या हम उनको क्या हमें उन्हें बदलते हुए समय में जो चीजें घट रही हैं उनको उनके पास जाने के लिए रोक देना है? नहीं। क्या हम इस समय के चक्र को रोक सकते हैं? नहीं। तो एक ऐसी स्थिति बन रही है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें शिक्षा लेने से वंचित करते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जैसे लोग रहते थे उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कि भाई जंगल में रहते हैं अपना खाना पीना और सब कुछ उनके पास जैसा है उनकी व्यवस्था बनी हुई। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर आप किसी भी नई व्यवस्था से मिलते हैं तो उससे प्रभावित होते हैं। अगर आप में ये चेतना नहीं है, मैं संथालों का जिक्र कर रहा था कि वो अपनी स्त्रियों को कैसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, मैंने पूर्वोत्तर में देखा है कि यहाँ मैट्रिलिनियन सोसाइटी के जिक्र हो ही अभी रहा था, मैंने देखा है यहाँ पर कि कैसे हीरा मीना यहाँ मुझे अभी दिख रही थी, राजस्थान के आदिवासी, उनकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं, और उनके स्त्रियों की स्थिति भी क्या है ये भी आप समझ सकते हैं। मैं राजस्थान से आता हूं तो ये बात और अच्छे ढंग से कह पा रहा हूं, या तो छत्तीसगढ़ और दूसरी जगहों पर जहां आदिवासी हैं, इवन उड़ीसा की बात कर सकते हैं, वहां के आदिवासियों की क्या स्थिति, इसको प्रतिभा राय और दूसरी जगह जहां लिखा गया है, गोपीनाथ महंती जैसे लेखकों ने जो लिखा है, आप उनसे देख सकते हैं, उस सोसाइटी को समझ सकते हैं। यहाँ की सोसाइटी उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी है और वो व्यवस्था को संचालित करने में अपना कई बार तो बराबर बल्कि उससे कई बार उससे ज्यादा योगदान देती है। हम अपनी मान्यताओं के साथ चलते जीते हैं, हमको लगता है कि हमारे यहाँ तो भाई पुरुष ही सब कुछ है, वही तो मुखिया है, पर अगर इस व्यवस्था को टर्न कर दिया जाए, यू टर्न दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा? तो पुरुष क्या करेगा? जिसका उत्तर दे रही थी फिल्मिका, हमारे पास सबके अपने काम है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस कोरोना काल में थोड़ा सा छूट ले रहा हूं, मुझे पहली बार समझ में आया कि अच्छा खाना बनाने और बर्तन धोने और कपड़े धोने में कितनी ऊर्जा जाती है, इतनी अधिक ऊर्जा जाती है कि आप दूसरे काम करने में के लिए फिर आपका, अगर स्त्रियां, हमने किया ही क्या है कि स्त्रियों को हमने उस सब तरफ उस ओर लगा दिया जाए और हमने उसमें कोई भागीदारी की ही नहीं है, और नहीं किया उसका नुकसान ये हुआ है कि हमको लगता है कि हम तो अर्निंग सोर्सेज हैं, आप करती ही क्या हो, यह धारणा पूर्वोत्तर में नहीं चलती, हमको इसको बचा के रखना, आदिवासी सोसाइटी में यह धारणा अगर है तो हमें इसे बचा के रखना, हमें हमको इसको खराब नहीं होने देना। मोटी मोटी बातें मैंने कह दी है मित्रों, एक दो बातें और कि आदिवासी साहित्य कौन सा वाला अच्छा साहित्य होना चाहिए, जिसका मूल्यांकन किस तरह हम करें। जब हम दलित साहित्य की अवधारणा पर बात कर रहे थे 90 में और उसके बाद के दशकों में, तो हम ये बड़ा इस पर जोर दे रहे थे कि कौन सा साहित्य दलित साहित्य होगा, तो उसमें जिसको हम कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ कैसा होगा, उसके आधार पर ढेर सारी कविताएं और पंक्तियां, ये राखी जानती है जलने का अनुभव, और ढेर सारी वैसी इसी से कि घोड़े लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछिए जो नाल के रूप में उसके मुंह में दबा है, लोहार नहीं बताएगा कि लोहे का स्वाद क्या है, तो जिसने ये भोगा है वो बताएगा। आदिवासी साहित्य के संदर्भ में क्या इस बात को समझा जा सकता है? मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहां के किसी सोसाइटी, किसी कल्चर, किसी इश्यू को लेकर लिखूंगा और यहां का नेटिव पर्सन किसी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखकर लिखेगा, तो उन दोनों को लिखने में बड़ा अंतर होगा।
वो कोई भी भाषा हो सकता है, हो सकती है। ये थेसोक्रोपी मैडम होंगी यहाँ, वो एक उपन्यास का इधर मैं 2-3 बार से उनका बड़ा जिक्र सुन रहा हूँ, उन्मिली रहानी, हिंदी में उन्मिली की मुस्कान नाम से उस उपन्यास का जिक्र क्या करते हैं। वो उपन्यास अगर कोई, वो उन्होंने असमिया में लिखा अलग बात है, एक कार्बी लेखक असमिया में लिख रहा है ठीक है, उसके आसपास की भाषा है, वो किसी भी भाषा में लिखेगा वो लिटरेचर उसका है। तारो ने हिंदी में लिखा तो भी वो हिंदी का भी है और उसका भी है। मुझे ये कहना है कि इस चीज को जब श्री प्रकाश मिश्र लिखेंगे, इस चीज को जब लाल बहादुर वर्मा लिखेंगे, और इस चीज को जब कोई वैसा व्यक्ति जो यहां आकर चीजों को समझ, शोधित करना एक बात है, लिटरेचर लिखना बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि लिटरेचर लिखने के लिए बहुत बहुत गहरे ढंग से आपको सोसाइटी और कल्चर समझना पड़ता है, वो आसान नहीं। पिछले किसी सेमिनार में जिक्र, वेबिनार में जिक्र कर रही थी डॉक्टर मिलन, मैं भी अरुणाचल मिलन, तो इनका आनिया जी का ही वेबिनार था कि कैसे श्री प्रकाश मिश्र जो चूहे नहीं है उन्हें चूहे बता रहे थे। मतलब ये इतना बड़ा अंतर है, ये कैसे समझा जाएगा? और सारी दुनिया, सारा देश वो चूहों ही के नाम पे, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारे एमए में वो लिटरेचर अवेलेबल है, हम भी तो उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम यहाँ के जो नेटिव राइटर हैं उनको जितना अधिक लिखने के लिए प्रोत्साहन देंगे, और उस लिटरेचर को फिर हम अनुवाद, और फिर वो जो आपकी नागरी साहित्य परिषद है उसमें आप लेके जाइए, वो अलग बात है, आप अनुवाद कीजिए, लिपिंतरण कीजिए, जो कीजिए, लेकिन जो करना है वो ये कि हमारा साहित्य, हम घृणा के प्रचारक न बने। और ऐसा हुआ है कि चूंकि आदिवासी साहित्य में ये भी है वो भी है, मैं सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा, और उस वाले जो, जब हम अस्मिता की बात करते हैं तो अस्मिता के क्रम में कई बार हम भूल जाए, हम वो विभाजक रेखा भूल जाते हैं कि कहां जाकर हमको रुक जाना है। हम अपने को पीड़ित और सामने वाले को शोषक दिखाने के क्रम में दुश्मन बना देते हैं, प्रतिपक्ष बना देते, और प्रतिपक्ष बनाने की प्रक्रिया में चीजें उलझ जाती। फिर क्या होता है कि आपका अधिक ध्यान अपनी पीड़ा और सामने वाले के हथियारों पे चला जाता है, और उसमें नुकसान ये होता है कि कल्चर छूट जाती है, और वो जो बारीक बिंदु हैं विश्लेषण के या ऑब्जर्वेशन के, वो छूट जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम वही ना कर दें जो वो भी कर रहे हैं। दलितों ने कहा कि गैर दलित दुश्मन है, आदिवासियों ने कहा कि गैर आदिवासी दुश्मन है, तो उसने कहा कि वो दुश्मन है, तो ये दुश्मन है, और दुश्मनी की प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी, हम सिर्फ दुश्मन देखेंगे। हमें तो लिटरेचर देखना है, हमें तो साहित्य, संस्कृति, समाज देखना है, और उसको बचाने की प्रक्रिया में ऊर्जा आपको उधर लगानी है, इधर नहीं लगानी है। मुझे ये कहना है मित्रों, और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अगर हो सके तो जितने सारे यहाँ के शोधार्थी हैं, जितने सारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, और जितने सारे यहाँ लेखक हैं, वो अपने लेखन को, मैं अपने लेखन में स्थानीय चीजों को बढ़ावा दें, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दें। मैं, अतुल देव वर्मा जी अभी मुझे दिख रहे थे, बहुत खूबसूरत उपन्यास 1980 लिखा है उन्होंने, और कमाल की बात है कि उन्होंने जिस भाषा में लिखा है वो स्थानीय, वो भाषा है। अब वो दूसरी भाषा में जाए, दुनिया भर में जाए, फर्क नहीं पड़ता, जाना भी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको अपनी भाषा भी बचानी है, साहित्य, संस्कृति, समाज का ये महत्वपूर्ण घटक है। तो स्थानीय भाषाओं में लेखन को बढ़ावा देना है, स्थानीय लेखकों को बढ़ावा देना है, और उसमें अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो वो करें। और इस पर लिखे, यहां के लिखे पर अधिक से अधिक शोध हो, हमारे विद्यार्थी शोधार्थी इस पर ध्यान दें। मुझे लगता है
तब आप विशेषणों, विशेषताओं, कारणों और उपायों की पड़ताल कर पाएंगे और सही दिशा में जा पाएंगे। मुझे आपने समय दिया, सुना, शुक्रिया, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें कई सारे आदिवासी साहित्य के विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखा और उसके साथ ही साथ आपने जो सलाह दिए कि हम आदिवासियों को किस तरह से अपनी अस्मिता को बचाए रखना है, सर इस सलाह के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आए। अब मैं इस वेब गोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर अनुराधा देवर्मा, हिंदी विभाग विमेन्स कॉलेज, इनको इस द्वितीय तकनीकी सत्र के समाप्ति की घोषणा के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार, जोहार और खुलुक्का। आज की द्वितीय तकनीकी सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, हमें सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। सबसे पहले डॉक्टर प्रेमिका जी जो कि सेंट एंथोनी कॉलेज शिलांग से हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा की साहित्य में समाज में किस तरह से उनके मूल्य जो है मूल्यों में बदलाव आया है साहित्य के द्वारा, और उनके समाज में पहले से जो मान्यताएं हैं उनकी विशेषताओं को भी बताया है कि उनकी जो समाज है वो कितनी अनुशासित है, सुलझी है, इन सबको उन्होंने रेखांकित किया है। डॉक्टर फिल्मिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद डॉक्टर जोरम आनिया जी जो कि अरुणाचल के देरा नातुंग महाविद्यालय से हैं, उन्होंने अपनी आदिवासी साहित्य के बारे में उन साहित्यों में सांस्कृतिक बदलावों को उल्लेख किया है, खासतौर से उन्होंने अतिथि, बेशरम आदि कविताओं की बात की है। डॉक्टर आनिया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी इस सत्र के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर जय कौशल जी, उन्होंने बहुत ही तर्कसंगत बात रखी है कि आदिवासी साहित्य लेखन में हमें स्थानीय भाषाओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए, हमारी स्थानीय रहन-सहन, हमारी संस्कृति को पकड़ कर रखना चाहिए, यह सब उन्होंने रेखांकित किया है। तो आप सभी के प्रति मैं आभार हूँ और आप सभी के द्वारा दिए गए वक्तव्य से सारे छात्र छात्राओं, शोधार्थियों और सारे श्रोताओं को लाभान्वित हुआ होगा। और इसी के साथ इस द्वितीय सत्र की समाप्ति होती है। इसी के बाद हम समापन सत्र की शुरुआत कर देंगे। धन्यवाद। कुंतिया देवर्मा जी को बुलाती हूँ मन संचालन के लिए समापन सत्र। बहुत बहुत धन्यवाद इस तकनीकी, इस द्वितीय तकनीकी सत्र की समाप्ति के पश्चात ही आइए अब समापन सत्र के शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले इस इस वेब गोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर अनुराधा देवर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपना स्वागत भाषण के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अनुराधा मैम। डॉक्टर अनुराधा जी, क्या प्रिंसिपल मैडम जुड़ गई है क्या? प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि वो जुड़ नहीं पाएंगे, उनको बहुत बिजी है, एक और एक काम में वो बिजी है, उन्होंने कहा वो जुड़ नहीं पाएंगे, हमें चालू रखने के लिए कहा है। तो मैं ये समापन सत्र की शुरुआत करते हुए स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले सर हमारे साथ है पद्मश्री से पुरस्कृत हमारे मिजोरम से जुड़े हैं प्रोफेसर सी कामलोवा सर, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सर आपके इस वेब गोष्ठी में जुड़ने से हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने हिंदी की प्रचार प्रसार में सिर्फ मिजोरम ही नहीं बल्कि सारे पूर्वोत्तर राज्यों
आपको बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसलिए आपको इस साल पद्मश्री से पुरस्कार भी पुरस्कृत भी किया गया है। आप जैसे महान और अनुभवी व्यक्ति को हमारे बीच पाकर हम बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सर, आपको आभार व्यक्त करते हुए आपको इस सत्र में सहृदय स्वागत करती हूँ। इसके पश्चात में हमारे इस समापन सत्र के अध्यक्ष महोदया श्रीमती मणिदिव्या देववर्मा, प्रिंसिपल वुमेन्स कॉलेज को तहदिल से स्वागत करती हूँ। मैडम, कल से लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसके लिए आभार करते हुए उन्हें पुनः इस सत्र में स्वागत करती हूँ। कल से हमारे साथ जुड़े विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से विशिष्ट वक्तागण प्रोफेसर जय कौशल, डॉक्टर मिलन रानी जमातिया, डॉक्टर जोरा मानिया ताना, डॉक्टर फिल्मिका मरबनिया, डॉक्टर सुखी बुद्धिया, डॉक्टर जनार्दन, आप सभी का इस समापन सत्र में स्वागत है। मैं विशेष रूप से त्रिपुरा के विधायक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अतुल देववर्मा जी को भी स्वागत करती हूँ, धन्यवाद और स्वागत करती हूँ कि वे अब तक हमारे साथ जुड़े हुए थे कार्यक्रम। तो इसी के साथ मैं और इस अन्य प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं, शोधार्थियों को भी मैं इस सत्र में स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। अपने इस दो दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी के समापन सत्र में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर सी कामलोवा, पूर्व प्राचार्य राष्ट्रीय भाषा महाविद्यालय मिजोरम को आमंत्रित करना चाहूंगी, परंतु इससे पूर्व मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आपने अपना आजीवन कार्य मिजोरम में हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही साथ हिंदी मिजो शब्द कोश निर्माण में भी आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आपने मिजोरम के स्नातक पाठ्यक्रम में हिंदी को मूल विषय के रूप में स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से आग्रह किया और आप उस कार्य में सफल भी रहे। आज मिजोरम में स्नातक में हिंदी को एक मुख्य विषय के रूप में स्वीकृति मिली। आप राष्ट्रभाषा महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। आपको इन संपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आप न केवल भाषा एवं साहित्य से जुड़े रहे, बल्कि आप एक समाज सेवक के रूप में भी मिजोरम राज्य में बहुमुखी व्यक्तित्व के विख्यात। सर, मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर, आरंभ कीजिए। धन्यवाद सर, स्वागत। अच्छा, कुछ नहीं बोलना मुझे? हेलो, बोलिए सर, बोलिए, मंच आपका है। अच्छा 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 जी, मैं बोल रहा हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर अतुल देव बर्मन जी, विधायक त्रिपुरा सरकार, सम्मानित अतिथि श्रीमती वंदना चेचे जी, संरक्षक श्रीमती मणिदीपा देव बर्मन जी, प्रिंसिपल वुमेन कॉलेज अगरतला, आयोजक डॉक्टर अनुराधा देव बर्मन जी, संयोजिका श्रीमती लीली देव बर्मन जी, मंच संचालिका डॉक्टर कुमतिया देव बर्मन जी एवं सभी गणमान्य श्रोतागण, आप सबको 67वीं हिंदी दिवस सम्मेलन के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में विशेष अतिथि का सम्मानित पद देकर योग समझकर इस मंच पर बिठाया है। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरह और किन शब्दों में आपका आभार करूं, अपना आभार व्यक्त करूं। फिर भी जब आपने मुझे बिठा ही लिया है तो अपने अंतर से
आपकी इस कृपा को स्वीकार करते हुए मैं कुछ विषय से संबंधित अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा और हमारे विषय को देखते हुए आदिवासी साहित्य और समाज का पुनर्मूल्यांकन बहुत ही संवेदनशील विषय मैं इसे मानता हूं। अब कितना कुछ मैं कह पाऊंगा स्वयं मुझे भी नहीं मालूम, देखिए बढ़ते जाएंगे, कुछ बातें निकलेंगी, कुछ विचार बदलेंगे, आपस में हम आदिवासी जन जीवन की मूल्य, इनकी संवेदना और इनकी कल्पना आदि से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खैर, मैंने संवेदनशील इसलिए भी कहा था कि आदि से लेकर वर्तमान तक हम स्वयं को सभ्य समाज कहने वालों ने आदिवासी जीवन पद्धति को, इनकी मर्म को, संवेदना को और कल्पना को उस रूप में नहीं समझा है जिस रूप में हमें समझना चाहिए था। इनके सरलता के पीछे छिपी बहुमूल्य मानवता की जो एक संवेदनशील विचार होती है उससे भी आज तक हम लोग सही रूप में नहीं समझ सके हैं, न ही हम समझने के लिए वहां तक पहुंच सके हैं। अब आदिवासी एक ऐसा शब्द है जिस अलग शब्द दिया गया है। अब अंग्रेजों ने अबरिजिन अबरिजिन करके इसका एक अनुवाद रूप रखा हमारे सामने जिसका सीधा अर्थ होता है आदिम जाति अथवा प्रथम आदिम जाति। अब किसी भी अर्थ में हम इसे ले फिर भी वास्तविक और मूल जाति को ही हम आदिवासी जाति कहते हैं। हालांकि व्यक्ति विशेष के आधार पर किसी समाज का मूल्यांकन करना जरा बेमानी होगी, फिर भी मैं चाहूंगा कि आदिवासी समाज और व्यक्ति को समझने के लिए इनके साहित्य की ओर जाने से पहले इनको समझने के लिए जो कुछ मैं अपने आप में अनुभव करता हूं, जो कुछ मैंने देखा है, सुना है और भोगा है, अपने उन अनुभवों के सहारे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात है सीमित क्षेत्र में मालिकाना हक के साथ स्वतंत्रता के साथ रहने वाली जाति, और दूसरे में हम देखेंगे प्रकृति के छाए में स्वतंत्र जीवन जीने वाली जाति या लोग, और फिर तीसरे में हम देखेंगे साम्राज्यवादी या विस्तारवादी मानसिकता से दूर मनोवृत्ति के होते हैं आदिवासी लोग। तीसरी चौथी बात देखें राष्ट्रीयता की भावना से बहुत दूर प्राकृतिक प्रेमी अपने ही शर्तों पर गुजर बसर करने वाली जाति, सरल और निश्चल स्वभाव के होते हैं, अपने ही वैचारिक मूल्यों के साथ जीवन यापन करने वाली यह एक ईमानदार जाति या लोग होते हैं, जीवन के प्रति स्वयं को ही आधार मानकर इसी के आधार पे अपनी भावनाओं को साहित्य पद्य के रूप में अथवा गद्य के रूप में व्यक्त करने वाले लोग, प्रकृति के प्रति संपूर्ण रूप से संवेदनशील और समर्पित परंतु शर्मीले स्वभाव के और संकोची स्वभाव के आदिवासी लोगों की एक प्रकृति रही है। इन कथनों के सहारे यदि हम आदिवासी समाज को देखें, उसका विश्लेषण करें, तो कुछ बातें हमारे सामने स्वतः उभर कर आती है। जैसे आदिवासी समाज की सबसे बड़ी विशेषता इनके अपने ही शर्तों पर जीवन को जीने की शैली को माना जा सकता है। अपने ही शर्तों पर जीवन को जीने की शैली को हम इनकी एक सामाजिक व्यवस्था विशेषता मान सकते हैं, और प्रकृति प्रेमी सरल स्वभाव के संवेदनापूर्ण मन का होते हुए भी
आवश्यकता के अनुसार कठोर फैसले लेने पर भी पीछे न हटने वाली प्रकृति के पुत्र और इसी में अपने सामाजिक व्यवस्था के मूल को स्थापित करने वाली जाति समाज आदिवासियों की एक विशेषता भी रही है। सुख दुख में एक दूसरे की निश्चल भाव से सहायता करना, हाथ बटाना आदि भी आदिवासी समाज की अपनी एक अलग विशेषता रही है। अपने सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सजग प्रतिबद्ध और ईमानदारी के साथ जीने वाली आदिवासी समाज की एक बड़ी विशेषता हम इसे भी मान सकते हैं। अवसरवादी अथवा बेवजह के विस्तारवाद विचारधाराओं से बिल्कुल दूर साफ और निर्मल हृदय के साथ जीने वाली समाज को हम आदिवासी समाज के रूप में देखें कहें तो भी गलत न होगा। अपने तीज त्योहारों को संपूर्ण मनोभाव के साथ संपूर्ण शक्ति और जोश के साथ हंसी खुशी मनाने वाली आदिवासी समाज की एक अलग विशेषता भी रही है। समाज में बड़े बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान की भावना आदिवासी समाज की एक बड़ी विशेषता और भी मतलब इसे माना जा सकता है। इन संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। बहुत सारे विद्वानों ने आदिवासी समाज को समझने की कोशिश की है, शोध कार्य किया है, बहुत मेहनत की है महानुभवों ने, लेकिन इतना मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मां की पीड़ा प्रसव की पीड़ा को पिता नहीं समझ सकते, मां ही समझ सकती है, यही मां की बड़प्पन है। इसी तरह से स्व अनुभव और मुक्त भोगी होने के लिए उस समाज के साथ उस विशेष परिस्थिति के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। ऊपरी ऊपर हम कुछ कह देते हैं लेकिन वास्तविकता को समझने के लिए जिस तरह प्रसव वेदना को माँ ही समझ सकती है उसी तरह मूल आदिवासी ही अपनी समस्याओं को अपने अतीत को वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य की ओर देख सकते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है और साहित्य के संदर्भ में अब सभी आदिवासियों के साहित्य को लेकर मैं चलूं इतना मैं ज्ञानी नहीं, और जो कुछ मैंने देखा सुना है आज मेरी कोशिश रहेगी कि मिजो आदिवासियों के जो साहित्य है विशेषकर पद्य साहित्य उनके आधार पर आदिवासी साहित्य के मर्म अर्थ और औचित्य को आपके सामने रखूं ऐसा मेरा विचार है। कोशिश में इस रूप में करने जा रहा हूं और मैंने ये देखा है कि आदिवासी साहित्य को हम दो रूप में बांट सकते हैं, एक तो गद्य रूप है एक पद्य रूप है। गद्य रूप में लोक कथाएं हैं जो असत्य पर आधारित कथाएं भी है और पद्य रूप में खासकर शाखाओं को हम देख सकते हैं स्व अनुभूतियों से पूर्ण पद्य है, आदिवासी इतिहास को उजागर करने वाले पद्य है, व्यक्तिगत अनुभूति से पूर्ण पद्य भी है, वीरता को ले हम या संघर्ष को ले इन विषयों पर भी इन्होंने कुछ कहा है गाया है। अब मिजो साहित्य के संदर्भ में मैं जब इतिहास लिख रहा था मिजो जनजातियों का तो बड़े बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि लिखित हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मौखिक है और पद्य के रूप में है, आप पद्यों का अध्ययन कीजिए, काल विशेष के संदर्भ पर समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपको इतिहास के बारे में कुछ नया देखने सुनने को मिले। तो इस सलाह को मानकर मैंने कोशिश की थी कि मिजो जनजातियों को आदिवासियों को समझने के लिए उनके पुराने गीतों को पद्यों को देखा जाए, उनका मनन किया जाए। तो
मैं 3-4 उदाहरण केवल यहाँ रखूंगा, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। ईस्वी 1630 से लेकर 1700 के आसपास मिजो आदिवासियों में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, पी मुआके। महिला थी और अनाथ थी, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत गाया था जिसका अनुवाद मैंने हिंदी में करने की कोशिश की है, सुनिएगा। उन्होंने ये कहा, यदि वाद्य मान्य होता तिस पर शोकाकुल वाद्य बजाने की आज्ञा हो तो निश्चय ही मैं अनाथों को चुपके से विदा कर दूं। तो मिजो समाज में, आदिवासी समाज में अनाथों की स्थिति बहुत ही कष्टपूर्ण दयनीय स्थिति। मरने के बाद लोगों के लाश को लेकर लोग ढोल बाजा बजाते हुए उसे दफनाने ले जाते थे, लेकिन अनाथों की मृत्यु पर यह सब वर्जित था। चुपचाप जानवरों की तरह उन्हें फेंक दिया जाता था। तभी पिमुआ की जो स्वयं अनाथ थी, उन्होंने अनाथों की मनोस्थिति को, मनोभावों को अपने में अनुभव करते हुए ये बात लिखी थी। तो इसके सहारे हम कह सकते हैं कि 1600 ईस्वी के आसपास, 1617 ईस्वी कुर्ता के साथ अनाथों के साथ व्यवहार किया जाता था, उन्हें देखा जाता था, उन्हें कष्ट दिया जाता था, इत्यादि बहुत सारी बातें इतिहास का हमें इन दो ही पदों से मिजो समाज के बारे में, आदिवासी के बारे में पता चलता है। आगे जाकर 1750 और 60 केवल 5 वर्ष तक इन्होंने गीत गाए थे। इनका नाम लियांछियारी सायलू मुखिया की। तो इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी तरह से कही है कि न हमारे बोल अहंकारी, न ही हम अभिमानी, जब तक वादियों के रहे ये हरि वसन, तब तक हम भी रहेंगे हर्षित आबाद। तो इससे ये पता चलता है कि उन दिनों लोग एक ही गांव में टिककर नहीं रहते थे। साल, 3 साल, 4 साल, 5, 10 साल रहे, गांव छोड़ा, किसी दूसरे गांव में चले गए। तो वहां पर नए लोगों से इनकी मुलाकात, तब उनकी बेटी ने ये कहा था कि हमारे बोल, हमारे रवैये जो है, जिसे आप अहंकारी मानते हैं, नहीं, हम अहंकारी नहीं है, नहीं हमें कोई विशेष अभिमान है, लेकिन हाँ एक चीज है कि जब तक चारों ओर हरियाली है, ठंडी हवा है, तब तक हम भी आपके साथ हैं, आजादी के साथ हैं, हंसी खुशी के साथ हैं। तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि आदिवासियों को अपने आसपास के प्राकृतिक दृश्य से बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। और इसी सरदार के आगे, लड़की ने आगे जाके ये कहा, जब कभी अकेली एकांत मन में जाती हूं, तेरी यादों की कशक और बढ़ने लगती है, तब धीरे से हिलते कोमल पत्तों के आहट भी व्याकुलता और बढ़ा देती है। इस गीत के पीछे मान्यता यह है कि इनकी जो प्रेमी थे उनका वध कर दिया गया था, तो विरह में व्याकुल होकर ये कभी जंगल जाती, कभी वहां भटकती, कहीं यहां भटकती। तब उन्होंने ये कहा था कि जब बहुत याद आ पाते हो, अकेली निर्जन वनों में मैं निकल जाती हूं कि शायद वहां कोई शांति मिले, लेकिन नहीं, धीरे से हिलते कोमल पत्तों की आहट तक को मैं बहुत जोर से सुन लेती हूँ, व्याकुलता मेरी बढ़ती है। तो इस चीज से आप देखें कि आदिवासी मन की कोमलता, उनकी कल्पना, उनकी संवेदना, उनकी मनोस्थिति, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को हम समझ सकते हैं। और उन्होंने आगे जाकर ये कहा कि एक ललथिरी, ये भी सरदार की पुत्री थी, इनके प्रियतम को, इनकी जो प्रेमी थे, उनको सरदार ने मरवा दिया था। सरदार को पसंद नहीं था कि उनकी पुत्री एक सामान्य व्यक्ति से मेल बढ़ाए, उनसे शादी करे, परिवार जमाए, तो हत्या कर दी। व्याकुल हो गए ललथिरी, बड़ा अच्छा उन्होंने गीत गाया, बरसात का मौसम रहा होगा। उन्होंने ये कहा कि विरह के व्याकुल क्षणों में
हटा पाती कब्र के पत्थर को, उसके आभापूर्ण चेहरे और कोमल उंगलियों का क्या हस्त हुआ होगा, क्या हालत हुई होगी। आगे जाकर स्वयं कहती है, उसके आप भाइयों के चेहरे और कोमल उंगलियों को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक धारणा थी कि यदि सरदार की पुत्री किसी अन्य लोगों से ब्याह करना चाहे तो उस जवान को, उस युवक को मार देना है, खत्म कर देना है। लेकिन अंदर की जो एक तशक होती है, प्रेम और मोह की एक जो वेदना इंसान के अंदर होता है, उसे ललथरी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि उन दिनों की मिजो आदिवासियों की इतिहास या कहानी या संस्कृति या कुछ भी कहे जीवन मूल्य कैसा रहा होगा। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आगे जाकर एक और साइलो पुत्री हुई है साइको की। इनका समय काफी नजदीक है, 1850 से लेके 1890 के आसपास के। इनका एक बड़ा सुंदर गीत है, सालाम पेड़ को आपने यूं ही अपने गांव के बाहर रख रखा है, नरमूंड मांगते मांगते बेचारा फूल देने लगा। इस गीत के आधार पर मनन करने के बाद मुझे ये पता चला कि उन दिनों गांव के लोग गांव के बाहर एक विशेष पेड़ को रखा करते थे, उसको सालाम पेड़ कहा करते, और उस पेड़ में अपने शत्रुओं का सर काटकर गांव वाले लटकाते थे, जश्न मनाते थे। तो बहुत सालों से शायद गांव वालों ने हत्या नहीं की या लड़ाई नहीं हुई, इसका मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है। फिर भी साइकुति ने अपने वीरों को ललकारते हुए कहा कि भैया आप लोगों ने भूले से, गलती से अपने वीरता को दर्शाने के लिए गांव के बाहर सालाम पे तो रख लिया है, लेकिन उसमें सर नहीं लटका पाए, नरमूंड मांगते मांगते शत्रुओं का सर मांगते मांगते बेचारा फूल देने लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका उद्देश्य यह था कि आपने लग लिया अपनी वीरता को बरकरार रखने के लिए, आप जाइए शत्रुओं को सर काट के लाइए, उस पेड़ पर लटकाइए, हम जश्न मनाएंगे, अपनी वीरता को हम दर्शाएंगे और अपनी एकता को हम सबके सामने फिर दोबारा दर्शाएंगे, नहीं तो देखिए कि फूल देने लगा है, आप और हम कैसे अपने आप को वीर कहे, बहादुर कहे। उकसाने वाली बात जैसी लगती है, लेकिन उस समय की उनकी संस्कृति सामाजिक मान्यताओं का इस गीत के सारे स्वतः ही पता चल जाता है। और एक दासी रही है, दारपोंगी उनका नाम है, 1844 से लेकर 1907 तक उनका समय माना जाता है, गुलाम थी, कई सरदारों के यहाँ गुलामी करती रही, आखिर में एक सरदार मिला, उसने उसे आजाद किया था, उसने घर बसाया, दो तीन बार बसाया, टूटा फिर बसाया, फिर गुलाम बनी। तो उसका दो चार गीत ऐसे हैं जिसने मुझे बहुत छुया है, मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने एक बार कहा कि सदा बहार रेमा के बापू का घर आज अंधेरे में डूबा हुआ गुफा लगे रे, पर नहीं यह जीवन का अवसान नहीं है, हम अतीत नहीं हुए हैं। तो इससे मुझे दो बातों का पता चला कि उन दिनों गांव के युवक और युवतियां किसी घर में जाकर गप्पे लगाते थे, हंसी खुशी मजाक करते थे, समय बिताया करते थे, लेकिन शत्रु आए, गांव उजड़ गया, लोग भागे, हत्याएं हुई। बहुत दिन बाद दारपोंगी अपने उस पुराने गांव में पहुंचे, देखा सब कुछ सुनसान था, तबाह हो चुका था। तब उसने ये कहा कि रेमा के बाबू का घर जहां सब युवक युवतियां बड़े हंसी खुशी के साथ समय बिताया करते थे, आज सुनसान और अंधेरे गुफा की तरह खड़ा है। लेकिन उन्होंने फिर देखा अपने आप, नहीं हम अभी खत्म नहीं हुए हैं,
हमारा अवसान नहीं हुआ है, हम अतीत भी नहीं हुए हैं, हम वर्तमान है। फिर हम जमेंगे, फिर हम गांव का निर्माण करेंगे, फिर आपस में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इस भावना के साथ अगर हम देखें तो आदिवासी मन में टूटने के बाद भी फिर जुड़ने की कामना, हारने के बाद भी जीतने की इच्छा, जीवन के प्रति आगे बढ़ने की कामना, उनकी मनोस्थिति को हम समझ सकते हैं। इसी तरह उन्होंने शादी की, लड़का उनका हुआ, बहुत खुश थी। जब लड़का 3 साल का हुआ तो बीमारी से लड़का चला गया, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जिसे लगाती थी गोदी में, कभी लगाती मैं सीने से, समा गया कब्र की गोदी में, चला गया मृतकों का देश। पता नहीं कभी उसने कहा होगा मुझे माँ की याद आती है। तो इससे एक मान्यता का मुझे पता चला कि उन दिनों मिजो समाज की आदिवासियों की एक मान्यता थी कि जो भी कोई मरे उसकी आत्मा एक जगह जिसे लोग मृत्यु लोग कहते थे वहां अवश्य जाती है। तो दारपोग ने भी अनुभव किया कि लड़का उसका प्यारा 3 वर्ष का था, मासूम था, मर गया, आत्मा उसकी भी वहां गई होगी, घूमा होगा वीरों के बीच में, छोटा बच्चा हताश हुआ होगा। तब उसने सोचा कि क्या उसने कभी वहां ये कहा होगा कि मुझे माँ की याद आती है। तो आप सोचिए माँ और बेटे के बीच की जो एक संबंध, प्रेम की, ममता की जो एक संबंध बनी रहती है, उसके प्रति भी आदिवासी महिलाएं विशेषकर सजग। सभ्य महिलाओं की अपेक्षा उनकी कल्पना शक्ति, संवेदना शक्ति बहुत ही गहरी। फिर उन्होंने जब देखा फसल का समय आया तो एक ही फिर गाया, जो भी फसल बोया मैंने, फल फूल आए सभी अलमस्त, पुत्र को भी तो मैंने बोया था मचान के नीचे, लगता नहीं कि वह फूल आएगा फल आएगा। तो इससे एक बात और साफ हो जाती है कि उन दिनों मिजो आदिवासियों में एक तरीका यह होता था कि जब बच्चा या बच्ची, अबोध बालक या बालिका मर जाते थे तो उनको कब्रिस्तान में ले जाकर अपने घर के नीचे दफना दिया करते। तो दारपोग ने जब देखा कि देखिए मौसम आया है बरसात का, सब फल फूल देने लगे हैं, साग सब्जियां उगने लगी हैं, तो मैंने भी तो बोया था ना अपने पुत्र के घर के नीचे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पुत्र फिर उगाएगा। तो उनकी भावनाओं को सर हम यूं ही अनुभव कर सकते हैं कि आदिवासी समाज की एक बड़ी विशेषता, जिसके आधार पर आज हम ये कहते हैं कि इन आदिम जातियों में कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो हमें मानवता की बोध कराती है, उसे पहचानने की आवश्यकता है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है, उसमें जीने की आवश्यकता है। जीवन मूल्य के प्रति वे सजग रही हैं, प्राकृतिक प्रेम में उन्होंने जीवन को जिया है, ईश्वर की कल्पना की है और बहुत सारे अपने अतीत को भी संवार कर भविष्य की ओर ले जाने का काम भी किया है। मैंने आरंभ में कहा था कई गणमान्य विद्वानों ने आदिवासी जीवन और सामाजिक विशेषताओं, जिनमें इनका त्योहार मनाने की विधि, इसकी पृष्ठभूमि आदि पर शोध किया, विचार मनन किया, मेहनत की, सभी बहुत ही आभार के युक्त है। परंतु जिस प्रकार जननी की प्रसव वेदना का सत्य माँ का नितांत सत्य होता है, पिता इसका हूबहु अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह आदिवासी और उनके सामाजिक मान्यता तथा स्व अनुभव पर आधारित साहित्य का सरल हो या कठिन रसास्वादन करने के लिए मुक्त भौतिक भोगी का होना अति आवश्यक होता है। आप सबने मिलकर मुझ नाचीज को इस योग समझा, किसी सम्मानित पर बुलाया, मुख्य अतिथि का पद दिया, बहुत ही सम्मानित मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन कल दिन भर
पूर्णिया यूनिवर्सिटी से और मिजोरम यूनिवर्सिटी से किसी दूसरे विषय पर मैं जुड़ा रहा, जुड़ता रहा, बातें होती रही। बहुत समय मैं अपने इस विषय पर दे नहीं पाया, इसका मुझे बड़ा दुख है। फिर भी जो कुछ मेरे मन में था आदिवासी को लेकर, इस समाज को लेकर, इनकी मान्यताओं को लेकर, इनके जीवन मूल्यों को लेकर, इनकी संवेदनाओं को, कल्पनाओं को और भावनाओं को लेकर जो कुछ मेरे अंदर था, एक आदिवासी होने के कारण मैंने ये कहा कि आज तक सभ्य समाज हमें उस रूप में नहीं समझ पाए है जिस रूप में उन्हें हमें समझना चाहिए था। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, विशेषकर आदिवासी विद्वानों से, समाज से, कि हम अपने जीवन को समझने के लिए जो कुछ हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिला है, गीत के रूप में हो, कथा कहानी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, हम उसे संवारें, संभालें, संकलन करें और एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए उनके मूल्यों को भी, उनकी संवेदनाओं को भी प्रयोग में लाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे माफ रुख्सत लेता हूं। आपने बहुत मुझे मान्य सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अपने व्यस्ततम समय के बावजूद आपने हमें समय दिए और आपके इस भाषण से हम लाभान्वित हुए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई सारे मुद्दों को हमारे सामने रखे, चाहे वे मिजोरम आदिवासी साहित्य हो या भारतवर्ष के अन्य जनजाति साहित्य हो, आपने कई सारे पहलुओं को हमारे समक्ष रखे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वेब गोष्ठी का इस अब मैं इस वेब गोष्ठी के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती मनदीपा देवर्मा महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आए और इस समापन सत्र के अध्यक्ष भाषण हमारे समक्ष रखें, परंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वे शायद हमसे जुड़ नहीं पाएंगे और वे हमसे जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वे किसी कार्य में, अन्य कार्य में व्यस्त है। तो अब मैं इस वेब गोष्ठी का सारांश के लिए इस कार्यक्रम की आयोजक और विभागाध्यक्ष श्रीमती लिली देवर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे इस संपूर्ण वेब गोष्ठी के सारांश को संक्षिप्त रूप में हमारे समक्ष रखें। श्रीमती लिली देवर्मा जी नमस्कार। समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सी कामलोवा जी एवं इस सत्र के संरक्षक कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती मनुदीपा देवर्मा जी, आज के द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जयकुशल जी, इस सत्र के प्रमुख वक्ता डॉक्टर फिल्मिका मार्वियंग जी एवं डॉक्टर जोरम आनिया जी एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। इस दो दिवसीय वेब गोष्ठी का सारांश मैं आप लोग के समक्ष रखती हूँ संक्षिप्त रूप में। हिंदी विभाग वुमेन्स कॉलेज द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी आदिवासी साहित्य और समाज एक पुनर्मूल्यांकन विषय पर 14 एवं 15 सितंबर 2002 को किया गया। इस उद्घाटन सत्र का प्रारंभ 12 बजे से हुआ। इस संगोष्ठी का आरंभ माँ सरस्वती के वंदना से किया गया। इस वेबगोष्ठी के सम्मानीय अतिथि के रूप में हमारे बीच श्रीमती वंदना चटर्जी जी रही, जो एक सुप्रसिद्ध आदिवासी लेखिका है, तथा मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा राज्य की विधायक डॉक्टर
अतुल देबर्मा जी रहे। मंच संचालन का दायित्व विमेंस कॉलेज की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर कुंतिया जी ने संभाला। स्वागत भाषण डॉक्टर अनुराधा देबर्मा आयोजित सचिव द्वारा किया गया। सम्माननीय अतिथि श्रीमती वंदना टेटे जी ने अपने विश वक्तव्य भाषण के अंतर्गत आदिवासी समाज के संदर्भ में कुछ मिथकों पर सबका ध्यान आकर्षित किया और साथ ही उन मिथकों को खंडन करने का भी प्रयास किया। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आदिवासी साहित्य प्रतिरोध का साहित्य नहीं है। आदिवासी समुदाय सदा से ही अपनी धरती के लिए धरती के रक्षा के लिए संघर्षरत है। वे स्वयं को जंगल के एवं प्रकृति के संरक्षक मानते हैं। इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर उन्होंने अपने वक्तव्य रखा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं विधायक डॉक्टर अतुल देबर्मा जी ने अपना भाषण रखा, जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज व्यवस्था को एक उन्नत समाज व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया, जहां भेदभाव नहीं है, भाईचारा है। इस समुदाय के जो आदिवासी समुदाय के जो पारंपरिक कथा और गीतों को और भी सुगठित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए सहज रखने के लिए उन्होंने आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य के द्वारा पग बरक के जो लोक कथा लोक गीतों के बारे में भी हमें अवगत कराया। तत्पश्चात विमेन कॉलेज अगरतला की प्रिंसिपल श्रीमती मनदीपा देबर्मा जी ने अध्यक्षता भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस गोष्ठी को लेकर अपना हर्ष जताया और अपना शुभ आशीष दिया। अंत में इस वेब गोष्ठी के संयोजक के रूप में मेरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया, साथ ही उद्घाटन सत्र की समाप्ति हुई। 14 सितंबर को ही प्रथम तकनीक सत्र का आरंभ किया गया। इस प्रथम तकनीक सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर मिलन रानी जमातिया सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग द्वारा किया गया और मंच संचालन कुंतिया देबर्मा द्वारा किया गया। प्रथम वक्ता के रूप में सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर चुकी भुटिया जी ने किया। उनका विषय था सिक्किम के आदिवासी विमर्श। उन्होंने अपने वक्तव्य में सिक्किम के जनजातीय लोगों के अधिकारों एवं अधिकारों के लिए संघर्षरत आदिवासी समुदाय के बारे में बताया और यहाँ के आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने के लिए आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। प्रथम तकनीकी सत्र के दूसरे वक्ता के रूप में हमारे समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभाग हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जनार्दन जी थे। उन्होंने कहा कि आदिवासी साहित्य प्राचीनतम साहित्य है। यह साहित्य प्रकृति से संबंधी है। आदिवासी साहित्य का मूल मंत्र भाई माटी छोड़ो नहीं, यह आदिवासी समुदाय के मूल मंत्र है। यह साहित्य प्रकृति के हर जरे के बात करता है। उनके अनुसार लोकतंत्र की रक्षा आदिवासी साहित्य ही कर सकता है। सत्र के अंत में अध्यक्ष महोदया डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जी ने अपने अध्यक्षता का दायित्व पालन करते हुए दोनों वक्ताओं के वक्तव्यों का संक्षिप्त मूल्यांकन किया और त्रिपुरा आदिवासी परंपरा के अनुसार गौरिया देवता को स्मरण कर संगोष्ठी के विषय में अपना विचार रखा, जिसमें उन्होंने अपने भाषण में त्रिपुरा के आदिवासी समुदाय के समाज व्यवस्था तथा यहाँ के आदिवासी विमर्श की पगवरक साहित्य के माध्यम से रखा। पगवरक साहित्य के लेखन एवं पठन की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने विशेष रूप से डॉक्टर विजय देबर्मा की कविता और डॉक्टर अतुल देबर्मा जी के 1980 उपन्यास का जिक्र किया। अंत में अपने वक्तव्य में उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों को मंच प्रदान किए जाने पर जोर दिया। तत्पश्चात
वेवगोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर अनुराधा देवर्मा द्वारा तकनीकी सत्र के समाप्ति की घोषणा। द्वितीय तकनीकी सत्र का आरंभ 15 सितंबर 12 बजे से किया गया। इस सत्र का अध्यक्षता प्रोफेसर जय कौशल असम विश्वविद्यालय दीपू के द्वारा किया गया। इस सत्र का प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर फिल्मिका मारवियन जी, जो सहायक प्राध्यापिका सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग से है, उन्होंने अपने वक्तव्य में समकालीन खासी कथा साहित्य और मूल विघटन पर रखा और उन्होंने बताया कि खासी जनजाति अपने संस्कारों को बहुत महत्व देता है और लेकिन धीरे धीरे खासी जो जनजाति के संस्कार और जीवन मूल्य है उनका विघटन हो रहा है। इस बात की ओर इशारा करते हुए उन्होंने उपन्यास और कहानी को माध्यम बनाया और बताया कि खासी समाज जो है मातृवंशात्मक समाज है और इस समाज में मामा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तत्पश्चात दूसरे वक्ता के रूप में हमारे समक्ष डॉक्टर जोरम अनियताना जी ने अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने अरुणाचल के युवा कवि तारो सिंदिक नामक कवि के कविताओं का विश्लेषण बहुत ही विस्तार से किया और अक्षरों की विनती नामक कविता संग्रह से हमारा परिचय कराया। अरुणाचल की आदिवासी समाज के समसामयिक समस्याओं का चित्रण इन कविताओं में देखा जा सकता है, उसमें किया उन्होंने उसका जिक्र किया। साथ ही तारो सिंदिक जी के जो कविताओं में चित्रित नारी समस्याओं के साथ बेरोजगार की समस्या, धार्मिक परिवर्तनों से आए सांस्कृतिक अस्मिता की समस्याओं की ओर भी उन्होंने इशारा किया। अंत में द्वितीय सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जय कौशल जी ने अपना अध्यक्षता भाषण देते हुए सत्र के दोनों वक्ताओं के वक्तव्यों का विस्तार से मूल्यांकन किया। उन्होंने अनेक वर्षों तक पूर्वोत्तर में रहकर जो अपने जो अनुभव किए हैं उनको हमारे साथ साझा किया। उन्होंने आदिवासी समाज के सामुदायिक रूप से कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है इसकी ओर भी इशारा किया है। साथ ही उन्होंने सार्थक आदिवासी साहित्य इसे कहेंगे इसकी ओर इशारा किया कि और सुझाव देते हुए कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति ही अपने समाज को सही तरीके से चित्रित कर सकता है, इसलिए स्थानीय लेखक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और स्थानीय भाषा के संरक्षण की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हीं के इस सुझाव के साथ ही उनके जो वक्तव्य को विराम देते हैं। इसी के साथ इस सत्र के समाप्ति की घोषणा इस दो दिवसीय वेब गोष्ठी के जो आयोजक सचिव द्वारा किया गया। धन्यवाद कुंतिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीली मैडम आपको। अब मैं इस वेब गोष्ठी के आयोजक सचिव डॉक्टर अनुराधा देवर्मा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों को और सभी विशिष्ट वक्ताओं को एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित डॉक्टर अनुराधा मैडम। नमस्कार रुमका, सभी को इस दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबगोष्ठी जो हिंदी विभाग वुमेन्स कॉलेज की तरफ से तहे दिल से आभार या धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं सर्वप्रथम कल के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे डॉक्टर अतुल देवर्मा जी का
तहदिल से धन्यवाद करती हूँ कि वे अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे साथ प्रस्तुत हुए और हमारी दोनों तकनीकी सत्रों को सुना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं हमारे सम्मानीय अतिथि एवं बीज वक्ता के रूप में श्रीमती वंदना टेटे जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे बीच विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हो पाए और उन्होंने अपने वक्तव्य से हमें धन्य धान्य कर दिया। हमें हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उनको सुन पाए। मैडम हम आपको सदिल सहृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके बाद मैं पहले सत्र के प्रथम तकनीकी सत्र के तीनों वक्ताओं, पहले डॉक्टर चुकी भूटिया जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय से आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे हमारे कहने पे तुरंत मान गई और हमारी व्यक्ति में शामिल हुए और अपने वक्तव्य से सारे छात्र छात्राओं और विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। इसके बाद में डॉक्टर जनार्दन जी जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यहाँ पे प्रस्तुत हुए, वे भी बहुत ज्यादा व्यस्त थे, फिर भी वे थोड़ी देर के लिए सही लेकिन आए और हमारे तकनीकी पूरे तकनीकी प्रथम तकनीकी सत्र को सुना। तो सर हम इसके लिए बहुत आभारी हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके बाद डॉक्टर मिलन रानी जमातिया जो कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापिका हैं, उन्होंने अपनी अध्यक्षता के साथ बहुत ज्यादा न्याय करते हुए और हमारी हमेशा से ही हमारे साथ हमारी मैडम हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं और आशा है कि आप हमेशा हमारी इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर जय कौशल जी का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर मेरे शोध निर्देशक भी रहे हैं और सर को जब भी हमें जरूरत पड़ी सर ने कभी मना नहीं किया और इस वेब गोष्ठी में आने के लिए भी वे तुरंत मान गए। सर हम आपको आभार देते हैं और आपको धन्यवाद भी कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर फिल्मिका मारबानिया जो कि सेंट एंथोनी कॉलेज शिलोंग से आई हैं, इन्होंने भी हमारे कहने पर वे भी तुरंत मान गए और वो हमेशा हमारी कोई भी बात नहीं टालते हैं और वो हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। टीम मैडम फिल्मिका मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं डॉक्टर चोरम आनिया ताना जी जो कि डेरा नातुंग महाविद्यालय अरुणाचल प्रदेश से हैं, उन्होंने वो भी बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे वेब गोष्ठी कर रहे थे खुद और शामिल हो रहे थे, फिर भी हमारे कहने पर वे हमारे इस वेब गोष्ठी में शामिल हुए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं इस समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में आए आदरणीय प्रोफेसर सी कामलोवा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने मूल्यवान वक्तव्य के द्वारा हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, हमारा ज्ञान वर्धन किया। सर आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद मैं इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी के संरक्षक और अध्यक्ष श्रीमती मणिदीपा देवर्मा को प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने हमारे न सिर्फ उत्साह वर्धन किया बल्कि हमेशा हमें मार्गदर्शन किया। आप कल से लगातार हमारे साथ जुड़े थे लेकिन आज समापन सत्र में आप जुड़ नहीं पाए, आपको कोई विशेष कार्य था। मैडम मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात मैं इस दो दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी के सलाहकार समिति के अंग्रेजी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापिका श्रीमती शर्वजी नाथ तथा जीव विज्ञान विभाग के श्रीमती केवी गीता, मैं
दोनों मैडम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब भी कोई समस्या होती है, किसी कार्यक्रम के नियमों का जानना होता है, दोनों मैडम ने हमेशा आगे बढ़कर हमारी सहायता की है। मैडम, भविष्य में भी आप दोनों हमारा साथ देते रहेंगे, यह आशा रखते हुए मैं आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इसके पश्चात मैं इस वेब गोष्ठी के तकनीकी समिति के सदस्य आईटी विभाग के श्रीमती सीमा दत्ता मैडम, श्रीमती पुष्पा रंकर मैडम दोनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों के कारण यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल पाई है। मैं आप दोनों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं दो दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी का संयोजक हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्रीमती लिली देवर्मा को भी धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने इस वेब गोष्ठी के स्वरूप और साकार देने में अथक परिश्रम किया है। मैं मैडम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें पुनः धन्यवाद देती हूँ। मैं इस वेब गोष्ठी के मंच संचालक सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर कुमतिया देवर्मा जी का भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जो कि दो दिन से चल रही है चारों सत्रों के मंच संचालन का कार्य उन्होंने बेहद सुंदर और व्यवस्थित रूप से किया है। मैडम, मैं आपको सस्नेह धन्यवाद देती हूँ। मैं हिंदी विभाग की छात्र सुश्री नवनीता नाथ शर्मा और पल्लवी झा, सुश्री पल्लवी झा को भी धन्यवाद देती हूँ कि वे हमारे साथ बने रहे और इनने एक सुंदर सरस्वती श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत किया। सुश्री नवनीता नाथ शर्मा और सुश्री पल्लवी झा दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन सब के अतिरिक्त इस वेब गोष्ठी में शामिल सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, शोधार्थियों और अन्य श्रोताओं को भी धन्यवाद देती हूँ, जो लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। सभी की सहायता के बिना यह कार्यक्रम सफल होना संभव नहीं था। मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, दो तीन पंक्तियां, इसके साथ मैं समाप्त कर दूंगी अपना भाषण। खूबसूरत सिर्फ एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। धन्यवाद। फुलमकार जोहार। यह दो दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी यहीं पे संपन्न होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। हम भाई खुलमका हम भाई सभी को सभी फीडबैक फॉर्म भरिएगा, हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। शायद कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। आप सभी फीडबैक फॉर्म भरिए। पुनः धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।